atin ito. Nagbuntang kami wala permission. Hamare har ek unanswered prayer ko permission tu aaj jawab dene wala hai. Tu aaj ek adbhut kaam karne ja raha hai permission hamare hriday ko baat karne ja raha hai permission. Is Bible study ke dwara, aaj ek worship ke dwara, is praises ke dwara prabhu tu hame baat karega prabhu. Hamare man ko hamare hriday ko tu badlega permission. Apne muh ko
साथ मिलकर फिर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुन लिया। और उससे पहले आप कुछ बातों को सीख लें, धीरे धीरे करके सारे लोग सीखते चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को चुना, आप लोगों पर यह अनुग्रह दिया कि आप औरों से पहले कई चीज़ों को सीखें। और पिछले कई समय से हम लोग इन बातों को सीखते चले आ रहे हैं। आज भी हम लोग उसी क्रम में कुछ ज़रूरी बातों को सीखेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान के साथ में आज परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि जो कुछ आज हम सीखने वाले हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंध रखता है। हम लोगों ने पिछली बार बहुत सारी बातों को सीखा है, उसमें ऐसी बातों को सीखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के कारण यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बहुत कुछ दे दिया, हमारे लिए सब कुछ दे दिया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक उत्तम स्थान पर रख दिया। हम लोग उन बातों को जान जाएं, उन बातों को सीख जाएं, यही मेरी इच्छा थी, मैंने उसको बताने की कोशिश की है। लेकिन जब हम लोग उन बातों को जान जाते हैं तो कुछ व्यवहारिक पक्ष आते हैं। हम लोग पिछले कई दिनों से इस व्यवहारिक पक्ष को भी सीख रहे थे, आज भी उसी से संबंधित कुछ बातों को हम सीखेंगे। पिछली बार एक दफा हमने सीखा था बुद्धिमानी से व्यतीत किए जाने वाले जीवन के विषय, क्योंकि इस दुनिया में समय व्यतीत करते हुए बहुत सारे परिस्थितियां आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं, और लोग पूछते हैं कि इस समय हम क्या करें, क्या करना उचित होगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो मैंने कहा था कि आप सही और गलत के हिसाब से निर्णय लेने के बजाय इस हिसाब से निर्णय लीजिए कि वो निर्णय बुद्धिमानी भरा है कि नहीं। परंतु आज मैं उससे भी बढ़कर कुछ बात को आपको बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि जो हमारा जीवन है वो जीवन वास्तव में समर्पण का जीवन होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने यीशु मसीह को जाना, जिस दिन हम लोगों ने उससे ग्रहण कर लिया, हम लोग, हो सकता है कि आप उसको महसूस किए नहीं किए, आपने जाना नहीं जाना, लेकिन वास्तव में हमने अपने आप को समर्पित कर लिया। उसी दिन से हमने अपने आप को दे दिया, तो अब वो जीवन हमारा नहीं रहा, अब वो उसका हो गया। अब जो हम जीते हैं, हमारा जो शरीर में जीवन है या शरीर के बाहर भी जो हम जिएंगे, तो वो सारा जीवन हमारा व्यक्तिगत का नहीं है, लेकिन वो जीवन परमेश्वर का है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखना चाहें तो हम लोग लिखा हुआ पाएंगे पहला कुरिंथ और उसका अध्याय 7 और उसके पद 23 और इसी प्रकार इसी के 6वें अध्याय और उसके पद 20 को देखेंगे। तो यहां पर लिखा गया है, अगर 7वां अध्याय उसके पद 23 को पढ़ें, लिखते हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। इसी प्रकार 6वां अध्याय इसी पहला कुरिंथ का और उसके पद 20 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिंथ अध्याय 6 पद 20 मिल गया, आइए हम लोग एक साथ पढ़े, 1, 2, 3। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। सो हम लोग जो है, हम लोग कोई नॉर्मल आदमी नहीं, हम लोगों को मोल ले लिया गया, मतलब खरीद लिया गया है, उसने कीमत चुका दी। जब कीमत चुका दी तो उसको बदले में हम मिल गए, हम उसकी प्रॉपर्टी बन गए। अब हम उसकी प्रॉपर्टी बन गए, हम उसकी संपत्ति बन गए, जिसको उसने दाम देकर खरीदा है। तब हम अपने आप में आजाद नहीं है कि हम कुछ भी करें, बेशक उसने हमें आजाद किया, बाइबल कहती है व्यवस्था से आजाद किया, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, लेकिन हमें इसलिए नहीं स्वतंत्र किया कि हम दुनिया में छुट्टा घूमे, हमारा कोई मालिक चरवाहा ना, लेकिन उसने हमें अपने लिए स्वतंत्र किया कि हम स्वतंत्रता पूर्वक उसकी आराधना करें, उसके पीछे चले, उसके साथ जीवन व्यतीत करें। तो उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया, उसने हमें खरीद लिया है। इसलिए कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमें खरीदा है। अगर उसने खरीदा है, कीमत चुकाई है, तो जरूर उसका कुछ मकसद होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में कोई खूबी नहीं थी जिसके लिए वो कीमत चुका था, लेकिन वो खूबियां देना चाहता था, इसलिए उसने कीमत चुकाई। और जब हम उसके हो गए हैं, तब हमारा जीवन, हम लोगों को विवेक के साथ में अपने सोच में इस बात को जानना चाहिए कि हमारा जीवन अपना नहीं है, लेकिन हम खरीदे हुए हैं।
हम समर्पित किए हुए हमारा जीवन प्रभु का है। जब हम इस सोच के साथ में चलेंगे तो बहुत सारे चीजों का चुनाव करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो हम लोग अपने स्वतंत्रता का फायदा उठा करके बहुत सारे चीजों का चुनाव करेंगे जो समर्पण के अनुसार नहीं होगा। मैंने कहा था एक होता है सही और गलत के हिसाब से चुनना, सही क्या है गलत क्या है, तो जो गलत है उसको मत चुनिए, सही उसको चुनिए। उससे बेहतर है बुद्धिमानी का चुनाव करना। बुद्धिमानी अर्थात सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु लाभ की नहीं है, तो जो वस्तुएं लाभ की है उनको चुनते हैं। लेकिन उससे बेहतर हमारे चुनाव के लिए है समर्पण के अनुसार चुनाव, कि हमारा जीवन जो उसको अर्पित किया गया है उस अर्पित किए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक हम चुन रहे हैं, या हमने अपने आप को उसके लिए अलग किया है कि नहीं। एक दफा हम लोग सीख रहे थे धार्मिकता के विषय, और उसी के साथ हमने सीखा था पवित्रता के विषय। अगर मैं आपको पूछूं कि धार्मिकता और पवित्रता में क्या अंतर है तो क्या आप बता सकते हैं? धार्मिकता और पवित्रता दोनों में अंतर है, लेकिन ये अंतर इतना बारीक है कि कई बार पता नहीं चलता। धार्मिकता में जितनी बातें आती हैं सारी बातें पवित्रता में शामिल है, लेकिन पवित्रता में ऐसी ऐसी कई बातें आती हैं जो धार्मिकता के तहत नहीं होती। धार्मिकता अर्थात जैसा परमेश्वर जीता है या जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा उचित है। धार्मिकता के लिए जो इंग्लिश शब्द है वह राइटियसनेस, राइट शब्द से बना, जो ठीक है जैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट राइट, उसमें कोई गलती ना हो, वो उस प्रकार का जीवन उसको हम कहेंगे धार्मिकता का जीवन। तो जाहिर है कि उसमें किसी पाप के लिए जगह नहीं, किसी पाप को हम उचित नहीं ठहरा सकते, उसको हम नहीं कह सकते कि ये सही है, दिस इज राइट, नहीं कह सकते। अगर वो राइट नहीं है तो राइटियस भी नहीं। तो जो राइट है मतलब जो सही है, जो उचित है, उस प्रकार का जीवन वो है धार्मिकता का जीवन। लेकिन पवित्रता उससे बढ़कर, हम लोगों ने शुरुआत में जब बाइबल स्टडी की थी तीसरे दिन, ठीक है, हम लोग 14 फरवरी से स्टार्ट किए थे और 28 फरवरी को हमने स्टडी किया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे याद रहता है। और उस समय मैंने आपको ये बताया था कि बाइबल की व्याख्या कैसे करें, हम लोग दो भागों में सीखे थे उसको। तो मैंने आपको बताया था कि कई बार शब्द का नियम होता है, शब्द अपने अर्थ को बदल लेते हैं, और वहां पर हमने एक शब्द को लिया था, वो शब्द था पवित्रता। उसका जगह जगह से रेफरेंस लेकर हम लोग देख रहे थे कैसे जो अर्थ है वो बदल जाता था। तो ज्यादा अर्थ याद ना भी रहे तो इतना अर्थ याद रहे कि पवित्रता के कम से कम दो अर्थ होंगे। पवित्रता जो सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं, जिसमें कोई पाप और बुराई ना हो, तो भाई धार्मिकता भी तो वही। लेकिन उससे बढ़कर एक अर्थ है पवित्रता का, और वो अर्थ है अलग करना, परमेश्वर के लिए समर्पित करके अलग कर देना। जैसे हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय और उसके शुरुआती पदों को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की अपने सारे काम से विश्राम। और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अभी जो आखिरी पद तक, देन गॉड ब्लेस्ड द सेवंथ डे एंड सैंक्टिफाइड इट बिकॉज इन इट ही रेस्टेड फ्रॉम ऑल हिज वर्क व्हिच गॉड हैड क्रिएटेड एंड मेड। ही सैंक्टिफाइड इट, सातवें दिन को उसने पवित्र किया, ठीक है, पवित्र किया। सैंक्टिफाई मतलब पवित्र करना। कभी भी आप बाइबल में पढ़ेंगे सैंक्टिफाई तो इसका मतलब है कि उसको पवित्र किया गया, पहले वो पवित्र नहीं था फिर उसको पवित्र किया गया। तो फिर यहां पर सवाल उठ जाता है कि सातवें दिन में ऐसी कौन सी बुराई आ गई थी कि परमेश्वर को उसको पवित्र करना पड़ा, सैंक्टिफाइड। तो उसमें कोई बुराई नहीं आ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि 6 मैंने जिस प्रकार से काम किया लोग भी काम करें, सातवें दिन मैं विश्राम करूंगा, लोग भी उस रीति से विश्राम करें, मेरा भय मान। तो उसने उसको एक खास मकसद के लिए अलग किया, उसने उसको काम करने से अलग किया, उसने उसको अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए, अपने लोगों के लिए अलग किया, डेडिकेट कर दिया। तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सैंक्टिफाइड, पवित्र करना।
पवित्र किया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने एक दफा प्रार्थना की थी, हम लोग जरा सा उसको देखें, यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय और पद 19, यूहन्ना 17 और उसके पद 19। जब वो प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह ऊपरवती कोठरी में, उस समय उसने प्रार्थना किया और क्या किया, उसने कहा, पिता से कहा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। इंग्लिश में भी लिखा, एंड फॉर देयर सेक आई सैंक्टिफाई myself दैट दे also माइट बी sanctified थ्रू द ट्रूथ। आई सैंक्टिफाई myself, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। तो पवित्रता का अर्थ सिर्फ पाप और बुराई से अलग करने की बात नहीं है, नहीं तो यहां पर यीशु मसीह अपने आप को पवित्र कर रहा है, तब जरूर उसके अंदर पाप आ गया होगा जब उसको अलग कर रहा है या उससे अपने आप को पवित्र कर रहा है। नहीं, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कहा कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं अपने आप को अलग करता हूं अब उस महत्वपूर्ण काम में जाने के लिए जिसके लिए मैं यहां पर आया था। इतने दिन मैं यहां पर रहा, अपने शिष्यों के साथ रहा, मैंने उनको जितनी बातें सिखाना सिखा दी, लोगों के बीच में सेवकाई की, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, लोगों को शिक्षाएं दी, लोगों को चंगा किया, उनको छुटकारा दिया, सब कुछ किया, लेकिन अब मैं उस भीड़ में नहीं रहूंगा, अब मैं उनके साथ वैसा समय नहीं व्यतीत करूंगा, अब मैं अपने आप को अलग करता हूं, अब मैं अपने आप को क्रूस पर जाने के लिए अलग करता हूं, मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं, डेडिकेट कर रहा हूं क्रूस के लिए। अब सारी चीजें दूर हो जाएंगी, अब चेले भी दूर हो जाएंगे, लोग भी दूर हो जाएंगे, मैं अकेला रहूंगा, मैं और तू, मैं बलिदान बनकर तेरे पास रहूंगा, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। तो पवित्र करने का अर्थ जो है वो है अलग करना, परमेश्वर के लिए समर्पित करना, डेडिकेट करना। तो जब हम कह रहे कि हमारा जीवन एक समर्पण का जीवन है या पवित्रता जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ है अलग करना, वो परमेश्वर के लिए समर्पित किया हुआ है, वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया हुआ हो मानो, अब उस पे उसका हक नहीं रहा, उस पे परमेश्वर का हक, इसलिए पवित्रता उससे बढ़कर। इसलिए कोई पूछ सकता है, संसार में बहुत प्रकार के गीत होते हैं, है ना, प्यार के गीत, दर्द भरे गीत, बहुत सारे गीत होते हैं, फिल्मों में बहुत सारे गीत गुनगुनाए जाते हैं, लोग गुनगुनाते हैं, क्या उनको हम गा सकते हैं, क्या ये गाना गलत है, क्या सही है? अगर वो गाना गलत अर्थ नहीं देता है, पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, तब तो मैं नहीं कह सकता कि वो गलत है, मतलब उसको गा के आप अधर्मी बन गए ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पवित्र जीवन, तो पवित्रता के लिए आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा गीत गाएं, कौन सा गीत ना गाएं, कौन सा गीत सुने, कौन सा गीत ना सुने, क्योंकि हम तो अलग किए गए। और हमारे लिए तो रोमियो की पत्री में कहा गया है कि जब हमें धर्मी ठहरा दिया गया तो तुम अपने आप को जीवित पवित्र भावता वो बलिदान करके चढ़ाओ, 12वें अध्याय पहले पद, बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र, डेडिकेट किया हुआ, मतलब हमारा जीवन एक बलिदान की तरह है जो परमेश्वर को भाता है। तो वो जब अलग किया हुआ है तब हम अपने लिए वहां पर अपने मजे के लिए, क्योंकि जाहिर है कि हम प्रभु के लिए नहीं गाएंगे उसको, किसी और के लिए गाते, तो उसको हम नहीं गा सकते, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते कि इसको गाना गलत होगा, लेकिन वो पवित्रता के मापदंड से बहुत नीचे है। आप सही और गलत के हिसाब से पूछेगा तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन जब आप पवित्रता के हिसाब से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो पवित्रता के मापदंड से बहुत नीचे है, उसके अनुरूप नहीं। इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम प्रभु को समर्पित हैं वैसा होना चाहिए। कोई भी कह सकता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उसको गा सकते हैं, जरूर गा सकते हैं, लेकिन तब आप मत कहिए कि मेरा जीवन समर्पित किया हुआ है, आप फ्री कुछ भी कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है जिन बातों की, उसको पूरा करना चाहते हैं तो समर्पण करना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर के दासों को मैंने सुना, यहां तक कि जो गाना गाते थे पहले बॉलीवुड में, वे जब परमेश्वर की सेवकाई में निकले उन्होंने उसको छोड़ दिया, चल गया,
परमेश्वर ने उनको बुला लिया अपने काम के लिए, वे परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। क्यों भाई, उसको गाना में क्या, उसको गाने में क्या गलती थी? उसको गाते तो पैसा ही कमाते, पैसे को यूज करते प्रभु के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात को जान लिया, समझ लिया कि वो पवित्रता के अनुरूप नहीं है, वो समर्पण के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसको त्याग दिया। तो उसी प्रकार बहुत सारी बातें आएंगी, मैं गाने से शुरुआत कर रहा हूं। हमारे व्यवहारिक जीवन से रिश्ता रखता है, क्योंकि हम लोग संसार से आते हैं। मेरी भी आदत थी पहले, मैं रेडियो में गाने, पहले तो रेडियो का चलन था, आजकल बंद हो गए रेडियो में गाने सुनने की, गीतों को लिखते थे, मेरे पास गाने से लिखी हुई डायरी हुआ करती थी। अच्छे सुर होते हैं, अच्छे ताल होते हैं, उनको गुनगुनाना अच्छा लगता है। जाहिर में किसी मनुष्य के लिए नहीं गाता था, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ लेकिन बाद में मैंने समझा कि ये समर्पण के अनुरूप नहीं है, तो मैंने उस सबको दरकिनार कर दिया। प्रभु के साथ जब चलने के लिए ठान लिए हैं, तो जिन चीजों को छोड़ना पड़े छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो जब चलना है तो अच्छे से चलना है, तो उन चीजों को छोड़ो। तो आपको भी चुनाव करना पड़ सकता है इस जगह पर। आप पहले से चुनाव कर चुके हैं तो अच्छा है। हम लोगों को चुनाव करना चाहिए हम क्या सुनते हैं। मान लिया आप ज्यादा प्रेम के गीत सुनते हैं, तो आप खाली बैठेंगे तो वही आपके मन में चलेगा। आजकल जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, मुझे नहीं मालूम आप लोग कहाँ रहते हैं, अगर कहीं पर गाना बज रहा है और आप उसको अनकॉन्शियसली सुन रहे हैं, बाद में आप पाएंगे कि जब आप खाली बैठे तो वो धुन आपके भीतर चलने लगा। तो जो हम सुनते हैं वो हमको प्रभावित करता है, तो जो उसको हम रोक नहीं सकते, भाई उनको नहीं बोल सकते कि जाकर तुम गाना बंद करो, तुमको सुनना खुद सुनो, मुझे क्यों सुना रहे हो, नहीं बोल सकते। लेकिन जब मुझे सुनने के लिए चुनना पड़े तो बुद्धिमानी से चुनेंगे हम, उन चीजों को चुनेंगे जिसको सुनने से उन्नति होगी, उन चीजों को सुनने से परहेज करेंगे जिससे व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे हम आत्मा से शरीर में आ जाते हैं, क्योंकि हम समर्पित किए गए। उसी प्रकार उसी से जस्ट रिलेटेड कोई पूछ सकता है, फिल्म देखने उसमें क्या हर्ज है? अरे भाई क्या हर्ज है, आप आपकी जिंदगी, आप जैसा जीना चाहे। लेकिन जब आप फिल्में देखते होंगे तो बहुत कुछ होता है, कई तरह की बातें दिखाई जाएंगी वहां पर, बहुत सारे प्रभाव उसको देखते हुए आप पर पड़ सकते हैं। अब दूसरी बात, वो पर जो समर्पण है उसके मुताबिक नहीं होगा। आपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए उसको देखकर, उससे क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। उसमें पैसे भी दे दिए, समय भी दे दिए, उतना समय प्रभु के साथ बिता लिए होते तो क्या का क्या हो जाता। तो मैं आपको गलत नहीं ठहरा सकता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यदि पवित्रता के मुताबिक चलना चाहते हैं, उस मापदंड के अनुसार चलना चाहते हैं, तो हमें समर्पण करना चाहिए। हम क्या देखें चुनाव करना चाहिए, तो हमें उन फिल्मों को भी देखने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभु के लिए। कई बार हम लोग परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। परमेश्वर हमारे कामों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करता कि कौन व्यक्ति कैसा कर, अच्छा ये ठीक कर रहा है, चलो इसको अपॉइंट कर देते हैं, तो वैसा नहीं करता। हमारी जगह का इंटरव्यू सिस्टम वैसा होता है, उसमें मेरिट देखते हैं, जो औरों से बेहतर है उसको बुलाया जाए। नहीं, परमेश्वर वैसा नहीं देखता, परमेश्वर किसी को भी चुन लेता है, परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। लेकिन जब वो काम करने लगेगा तो वाकई प्रभावशाली काम कर रहा करेगा या नहीं करेगा, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका समर्पण का जीवन कैसा है। अगर वो संसार में डूबा हुआ है तब उस प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेवा का काम है, परमेश्वर की सेवा का काम, वो आत्मा से किया जाता है। और वो शरीर में जीने का आदी है, तो आत्मा का जीवन नहीं जी सकता है और दूसरों को भी नहीं जिला सकता है। तो इसलिए हम लोगों को इसको चुनाव करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, मैं आपको किसी से दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आपको चुनाव करना पड़ेगा कि हम किनके साथ में समय बिताएं और किनके साथ समय ना बिताएं। जब मैंने इस बात को सीखा तो मैंने पाया कि संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। आमतौर पे जितने लड़के हैं वो इस बात को समझते होंगे
कि जो उनके दोस्त होंगे संसार में डूबे हुए हैं तो ऐसे ही गालियों से बात करते हैं। तो चुनाव करना पड़ता है, किन के साथ रहें, किन के साथ बात करें, किन के साथ ना करें। अगर हम उनको प्रभावित कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर उनसे हम प्रभावित हो रहे हैं तो दूरी रखने में भलाई। हम उनसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, कभी भी मौका होगा हम उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, उनकी सहायता करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उतनी दोस्ती नहीं रखेंगे कि उसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ जाए। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती। तो अगर जब तक मुझ में वो बात ना हो कि मैं दूसरों को प्रभावित करने लगूं, तो उनके साथ मिक्स्ड अप हो जाने में गड़बड़ी। उसके लिए पहले आत्मा में सीखना पड़ेगा कि हम कितना कर सकते हैं, तब जाकर उनके बीच शामिल हो गए और पता चला कि उनकी बातें बंद हो गई, उनका स्वभाव बंद हो गया। मैंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया। मैंने जब प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करके जीवन व्यतीत करना शुरू किया, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, अब मैं जाता था लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, उनके बीच में मैं रहता था। शुरू में तो वे लोग उसी प्रकार की बातें किया करते थे, लेकिन जब हम लोग साथ में रहने लगे, कभी कभार साथ में रहने लगे, तो उनकी बातचीत बदल जाती, हमारे साथ ऐसा बात नहीं करते। यहां तक कि एक ने तो खुद ही इस बात की गवाही दी कि अरे तुम लोगों के साथ रहते हैं तो हम ऐसे ही हो जाते हैं, पर इसके साथ रहते तो हम दूसरा बात करते, हम ऐसा नहीं बात करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने जो प्रभाव मुझ में डाला है वो किसी को प्रभावित करा है। मुझे दुनिया से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम दुनिया को प्रभावित करें। दुनिया से हम प्रभावित हो जाएंगे तो हम क्या उसी के समान हो जाएंगे, लेकिन हम उसको प्रभावित करने के लिए चुनेंगे। इसलिए पहले चुनना पड़ेगा किसके साथ रहें, किसके साथ समय बिताएं, किसके साथ क्या करें, किसके साथ ज्यादा समय बिताए, किसके साथ कम समय बिताए, क्योंकि जरूरी पड़ सकता है, इसलिए समय बिताना भी जरूरी होगा, पर चुनाव करना पड़ेगा कि कितना समय बिताए। और हमेशा इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रभावित ना कर सके, क्योंकि हम समर्पित किए हुए, हमारे भीतर ये जो मिट्टी का पात्र, इसमें असीम धन रखा हुआ है। हम इस धन से इस दुनिया को आशीषित करना चाहते हैं। हम लोग अब्राहम की संतान है, हम वारिस हैं, तो अब्राहम की संतान है। और परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम से कहा कि तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष होगा, thou shall be a blessing, तू आशीष होगा, मतलब जिन लोगों के बीच में तू होगा वे तेरे कारण आशीषित होंगे। तो उसने यीशु मसीह के द्वारा वो धन हमारे भीतर में रख दिया, और हम चाहते हैं हम अब्राहम के समान हो, जिसके वजह से दुनिया के लोग हमसे आशीष प्राप्त करें। हम उस धन में से रिलीज करना चाहते हैं। उसके लिए हम दुनिया से प्रभावित होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहते हैं, हम अब्राहम के समान जीवन बिताना चाहते हैं, उससे भी बढ़कर। इसलिए हम ऐसा चुनाव नहीं कर सकते। चुनाव करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक और बात है, अब मत बोलिएगा कि ज्यादा पर्सनल बोल रहा है, क्योंकि आजकल तो ये हो रहा है कि लोग कहते हैं क्या खाओ क्या पहनो, है ना, टोका टोकी रोका टोकी हो रही है। अब एक नया आदमी आ गया ये बोलने के लिए लेकिन जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें भी चुनाव करना पड़ेगा, कौन से कपड़े हम पहने, कौन से कपड़े हम ना पहने। जानते क्यों? कपड़े जो थे ओरिजिनली डिजाइन किए गए थे, खुद आदम ने डिजाइन किया था जब उसको, तो अपने आप को ढकने के लिए डिजाइन किया था, पत्ते से ही डिजाइन किया था, फर्स्ट फैशन डिजाइनर। उसके बाद परमेश्वर ने डिजाइन किया तो उसको ढकने के लिए डिजाइन किया। तो आजकल जो कपड़े बन रहे वो ढकने के लिए नहीं, मतलब ढक देंगे तो छुप जाएगा, उसको जितना दिखाया जा सके उसके लिए कपड़े बन रहे। लेकिन हमारा जीवन तो समर्पित किया हुआ, अगर कोई मुझे देखता है तो उसको ये संदेश, उसको हमको देखकर किसी परीक्षा का सामना नहीं करना चाहिए कि हमको देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो प्रभु में उसका ध्यान था, हमको देखा तो भटक गया। अरे बाप रे, आजादी है आपको, आप कुछ भी पहन सकते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि ये पहनना गलत है वो पहनना सही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपने पहना है वो पहनावा किसी के लिए परीक्षा का कारण ना बन सके, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर की तरफ खींचना चाहते हैं, ना कि उनको पाप की तरफ ढकेलना चाहते हैं।
तो हमको चुनना पड़ेगा कि हम क्या पहने और क्या ना पहने, किस तरह का पहने। हमको तो बहुत कुछ मन करेगा पहनने का, बहुत कुछ शौक है। मेरे तो सारे शौक ही मर गए। जब आप प्रभु के साथ में चलने लगेंगे और प्रभु को समझने लगेंगे, बहुत सारे ऐसे शौक जो होते हैं जो उचित नहीं है, जो पवित्रता के मुताबिक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तुम्हारे हृदय में अपना वचन लिखा है। हमारे भीतर, मेरे भीतर, मैं जब झांकता हूं तो मैं पाता हूं कि परमेश्वर का वचन, उसकी बातें बाहर आती है। मुझे उसके लिए अपने आप को दबाना नहीं पड़ता है। ओह, मन तो ये कर रहा है लेकिन मैं नहीं, प्रभु बोला इसलिए नहीं करें, नहीं ऐसा नहीं करना पड़ता। मैं इस बात को पाता हूं कि मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता है। मेरे अंदर से वो निकलता है कि मैं ऐसा करूं ही नहीं, मेरे अंदर से वो निकलता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अब मैं चाहता हूं प्रत्येक जन इसी स्थिति को प्राप्त करे, इससे भी बढ़कर धीरे धीरे करके हम प्राप्त करते जाते हैं। तो कपड़े के लिए भी ऐसे ही, बहुत सारे शौक हो सकते हैं, बहुत कुछ पहनावा हो सकता है, लेकिन चुनना चाहिए। जब प्रभु को समझने लगते हैं कि प्रभु ने हमसे जब इतना प्रेम किया कि उसने अपने स्वर्ग के वैभव को त्याग दिया, अपने सुख विलास को त्याग दिया, अपने आदर महिमा को त्याग दिया और हमारे लिए कंगाल बन गया, क्रूस पर वो नंगा हो गया, हमारे लिए उसने सब कुछ किया और हमें मोल लेकर खरीद लिया, तो हम मनमाना जीवन जीने के लिए नहीं। ये व्यक्ति तो कृतघ्न होगा जिसके लिए सब कुछ कर दिया गया लेकिन उसको जरा तक आभारी नहीं हो पा रहा है कि प्रभु तूने ऐसा कर दिया तो मैं जरा आभारी हो जाऊं, मुझे अपना मन मुताबिक जिंदगी जीने दीजिए, मेरा पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए, मेरी मर्जी, मैं चाहे खाऊं चाहे पीऊं चाहे पहनूं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी, मुझे करने दीजिए। ठीक है, आप कीजिए लेकिन मत कहिए कि मेरा जीवन समर्पित है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें इन बातों के लिए चुनाव करना चाहिए। उसी प्रकार इस जीवन में एक और बात आती है और उसके लिए चुनाव करना चाहिए। अरे सारे लोग यहां पर, ज्यादातर लोग जवान हैं, है ना, कम ही लोग हैं जो जवान पार कर चुके, जवानी की अवस्था है। सबके मन में तरह तरह के ख्याल आते होंगे, और आजकल तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है, सारी चीजों को एक्सेस करना, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी देखने की चीजें आ गई जो शरीर के मुताबिक तो मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। अपवित्र कामुकता और उससे रिलेटेड है ना, कि उन चीजों को देखें या उसके लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन हम लोगों को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मोल लिया है तो हम लोगों को उसमें जाने की जरूरत नहीं। कोई कोई व्यक्ति इस प्रकार से कह सकते कि नहीं नहीं, ये मेरे कमजोरी है, ये मेरा एडिक्शन है, मैं इसे नहीं छूट सकता, पोर्नोग्राफी, मैं इसे नहीं छूट पा रहा हूं, नहीं छूट पा रहा हूं, मैं क्या करूं। उसके लिए आधा चीज हम लोग पहले बता चुके हैं, अब बाकी चीजें हम बाद में बताएं। लेकिन पहले इतना निर्णय लीजिए कि उसमें जाना नहीं है। आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपको कोई वहां जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन इतना याद रखिए कि हम लोग नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका तीसरा पद निकालिए, वहां पे क्या लिखा है, इंग्लिश में जरा से हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसका पद 3, हम लोग डेडिकेट किए हुए लोग हैं। तो किस समय हमारा डेडिकेशन हुआ, जब हमने नया जन्म प्राप्त किया, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उससे कहा था, इस स्टेटमेंट को देव कहा था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born again. But we are seeing the kingdom of God. We are having the benefits of the kingdom of God because we are born again.
हम लोग परमेश्वर के राज्य को देख रहे हैं, उसके राज्य की जो भरपूरी है उसका आनंद ले रहे हैं, उसके अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग नया जन्म प्राप्त किए, वी आर बोर्न अगेन। जो क्रिश्चियन है उनको दो पार्ट में बांट सकते हैं, बोर्न अगेन क्रिश्चियन एंड बोर्न अगेन क्रिश्चियन। लेकिन खुद में चुनाव करना चाहिए कि सिंस आई एम बोर्न अगेन, आई विल नॉट गो बैक टू द बोर्न अगेन। समझिए, सिंस आई एम बोर्न अगेन, नया जन्म प्राप्त किए, इसलिए हम पोर्नोग्राफी में वापस नहीं जाएं, उस प्रकार के चीजों में वापस नहीं जाएं। हमारा जीवन समर्पित किया हुआ, ये शरीर समर्पित किया हुआ, सिर से लेकर पांव तक, ये हम प्रभु की महिमा के लिए जिए और वहीं इसे इस्तेमाल करेंगे जहां इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके द्वारा ये ना कहा जा सके कि उसका जीवन समर्पित किया हुआ नहीं। हम उस जीवन को ऐसा जीना चाहते हैं। और जहां तक आपके व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कमजोरी है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रभावित हो जाता हूं वगैरह वगैरह, उसकी विषय में पहले भी मैं कह चुका हूं कि आपका जो पुराना मनुष्य था यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका है। जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, इस बात पर ध्यान करें कि आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर मर चुका है। मैं प्रतिदिन जब मैं प्रार्थना करता हूं सुबह में उठकर, तो मैं इस बात पर ध्यान करता हूं, ये मेरी प्रतिदिन की आदत है। प्रतिदिन मैं प्रार्थना करते हुए उसके पास में आता हूं, इस बात को स्मरण करता हूं कि उसने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया। उसने क्रूस पर मेरे पुराने मनुष्यत्व को ठोक दिया, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं कि मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर ठोक दिया गया। और वो हर एक बातें जिसके विषय में मैं कभी कमजोर महसूस किया करता हूं या करता था, उन सारी बातों के लिए मैं अंगीकार करता हूं कि वो सब क्रूस पर ठोक दिए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ढूंढकर देखिए कोई कमजोरी होगी, आप अंगीकार कीजिए वो पुराने मनुष्य सत्व से था, वो क्रूस पर ठोक दिया गया। हर एक जलन क्रूस पर ठोक दिया गया, हर एक घमंड, हर एक व्यभिचार, हर एक ईर्ष्या, हर एक कामुकता, हर एक डा और जितने प्रकार की पाप और बुराई की बातें, सब क्रूस पर ठोक दिए। आप प्रतिदिन की रीति पर इससे प्रार्थना कीजिए, अंगीकार कीजिए। हर एक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सब कुछ क्रूस पर ठोक दिए। प्रतिदिन इस पर ध्यान कीजिए, अंगीकार कीजिए, और आप पाएंगे कि उसकी सामर्थ्य आप में है ही नहीं, क्योंकि वो तो क्रूस पर मर चुका है। प्रतिदिन मैं अंगीकार करता हूं कि उसका अच्छा जीवन मुझ में है, मुझ में धार्मिकता का स्वभाव है, मुझ में पवित्रता का स्वभाव, मुझ में ईश्वरीय स्वभाव दिया गया है। मैं ठीक यीशु मसीह के जैसा बनाया गया, मुझे प्रार्थना करने का मन दिया गया, मुझे उसके वचन से लगाव दिया गया है, जो बाइबल से जो नया मनुष्यत्व मुझे दिखाया गया, मैं इसका अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा जी उठने में मुझे वो चीज दिया गया। तो मैं पाता हूं कि जो पुरानी बातें थी उसका कोई सामर्थ्य मुझ पर नहीं है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो मैं अपने अंदर देखने लगता हूं। इस बात को अंगीकार कीजिए, और जिन बातों का प्रभाव आपके जीवन में होगा, जिन बातों का एडिक्शन अगर आप महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि वो है ही नहीं, उससे आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, उसके लिए ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, मन तो बहुत कर रहा है लेकिन नहीं करेंगे। ऐसा भी कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं उससे भी बेहतर स्थिति, उससे बेहतर स्थिति यह है कि आपको मन ही ना करें, है ना, इतना अच्छा हो। इसराइली इसलिए पाप करते थे क्योंकि उनके हृदय में पाप भरा हुआ था, वचन तो पत्थर पे लिखा हुआ था या पुस्तक में लिखा हुआ था, उनको कहा गया था ये मत करना वो मत करना, वो सारे करते थे, उनके हृदय में पाप था। लेकिन मैं इसराइलियों के जैसा नहीं, मैंने इस बात को पाया कि यीशु मसीह ने नई वाचा के तहत अपने वचन मेरे हृदय में लिखे, उसको मेरे हृदय में रख छोड़ा। अब वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी प्रोग्रामिंग बदल दी गई। मेरा पहले का जो प्रोग्रामिंग था, अंदर पाप बसा हुआ था कि मैं जो करना चाहता वो ना कर सकूं, जो नहीं करना चाहता वही करूं। अंदर का प्रोग्रामिंग ही वही, अंदर से वही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अंदर के प्रोग्रामिंग को परमेश्वर ने बदल दिया। हो सकता है कि आपका अनुभव ऐसा ना हो अंदर का प्रोग्रामिंग, लेकिन अनुभव को दरकिनार रखिए, वचन कहते हैं कि प्रोग्रामिंग बदल दिया गया। आपको पहले विश्वास करना चाहिए, फिर जब आप विश्वास करेंगे प्रतिदिन की रीति पर, प्रतिदिन अंगीकार करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो सब कुछ है ही नहीं। जब आप सोचते थे कि मेरी कमजोरी है, मेरा ये वो है ही नहीं, वहां संघर्ष की बात ही नहीं मिली।
आप इस बात को अंगीकार की जो जीवन आप जीते हुए देखना चाहते हैं, जो आपने बाइबल में देखा है, आप चाहते व्यक्त हो, आप जानते हैं कि नए मनुष्यत्व में आपको दिया गया है, आप विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक वो बाहर निकल रहा है, वो अंदर से बाहर आ रहा है। आपको उसके लिए प्रार्थना करके, संघर्ष करके, कांपते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, उपवास करते हुए कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने काम कर दिया, इस बात पर ध्यान करना जरूरी है। इसके बाद यहां से आगे मैं दो महत्वपूर्ण बातों पर आज आपसे बात करना चाहता हूं। शायद आपको पहले भी कहा गया होगा, किसी रीति से किसी ने खबर दी होगी या नहीं भी दी होगी, कोई बात नहीं, आप रेगुलर आते हैं तो मुझे उचित मालूम पड़ा कि मैं आपसे इस विषय में बातें करूं। कई बार यह सवाल उठता है कि हम लोग आय के स्रोत के रूप में क्या चुनाव करें, नौकरी कौन सी नौकरी करें, या कौन सा व्यवसाय करें, या कौन सा काम करें। ये सवाल सबके मन में होता है, खासतौर से जब आप जवान हैं तो आपको इस सवाल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने पढ़ाई की उसके बाद आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप इसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, और उसमें सोचते हैं कि किस में जाना चाहिए। कई सारे लोगों ने तो बता दिया है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए किसी खास नौकरी या किसी खास आय के स्रोत को तय किया है, लेकिन जब मैंने बाइबल में ढूंढा तो मैंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं पहले ही आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की तरफ से अगर योजना के रूप में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर ने एक ही योजना बनाई और वो यीशु मसीह है। उसके लिए उसने पहले से भविष्यवाणियां करवाई। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह से संबंधित कितनी भविष्यवाणियां, अलग अलग भविष्यवाणी कितनी, तो मैं गिन नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया। फिर भी कोई कहते हैं 108, कोई कहते हैं 109। उसके विषय में पहले से प्लानिंग थी, योजना थी कि वो आएगा तो इन सारे कामों को करेगा। 108 या 109 पहले आगमन पर वो इन सारे कामों को करेगा, और जब यीशु मसीह आए तो उन सारी चीजों को पूरा किया उसने। कहा गया था कि बेतलहम में पैदा होगा, बेतलहम से बेतलहम पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा होगा, कुंवारी से पैदा हुआ, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मिस्र से बुलाया, और भी बहुत सारे, उसकी मृत्यु उसके जीवने तक उसने एक एक भविष्यवाणी उनको पूरा किया। उसमें से वो किसी बात पर नहीं चूका, क्योंकि वही एकमात्र सिद्ध मनुष्य था। और परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए उस यीशु मसीह में योजना को सोचा, तो उसने उस प्रकार की कठिन योजना हमारे लिए नहीं बनाई कि जब ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आशीष पाने के लिए मैंने उसके लिए ठहराया है कि वो इस नौकरी को करे। लेकिन अफसोस की बात, वो इस नौकरी को नहीं कर रहा, वो इस नौकरी को कर रहा है। इसी कारण से वो अपनी आशीष से चूक गया। तो फिर यीशु मसीह किस लिए मरा? तो फिर ये क्यों कहा गया कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में आने जाते तो पहुंच, क्योंकि उसकी आशीष तो इस बात, इस कंडीशन पर डिपेंड कर रही है कि पता नहीं परमेश्वर के मन में क्या था, मैं उस काम को पूरा कर रहा हूं, उसी नौकरी को कर रहा हूं। और इसीलिए लोग प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से कि मेरे लिए प्रार्थना करके बताइए कि प्रभु मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए। कई बार लोग किसी के पास जाते प्रार्थना कराने के लिए ये निवेदन लेकर जाते हैं कि मुझे बताइए मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सी चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक सोच ये भी होती है कि अगर परमेश्वर बता दे, परमेश्वर ने तय किया है, ठहराया है कि मुझे रेलवे की नौकरी करनी है, तो मुझे सारी चीजों को छोड़कर रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए कि परमेश्वर ने ठहराया है तो वो मुझे आसानी से मिल जाए, ये सोच होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर ने तय भी किया होता या परमेश्वर की योजना भी होती कि आप फलानी नौकरी को करें और बता भी देता, तो उसको पाना इतना आसान नहीं होता। उसकी योजना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है। आमतौर पर लोग इसलिए पूछने आते हैं क्योंकि सोचते कि पूछेंगे तो आसान हो जाए, पूछेंगे तो कठिन हो जाए। धन्य क्यों? क्योंकि उसकी एकमात्र योजना, परमेश्वर की एकमात्र योजना जो यीशु मसीह में थी, उसी योजना के पूरे होने में कितने व्यवधान हुए। जब उसके पैदा होने का समय आया, माता पिता परेशान हो गए
लोग को उत्तर इसराइल से दक्षिण इसराइल यात्रा करनी पड़ी गधे पर सवार होकर। उसके बाद हेरोदेस बच्चों को मार डालने की आज्ञा निकाल कर ले आए, जान बचाकर मिस्र में भागना पड़ा। जब उसके पैदा होने का समय है, कोई घर इंतजाम करके पड़ा हुआ नहीं मिला, कहते हैं कि उसको चरनी में रखा गया। अगर परमेश्वर स्पेसिफिकली कुछ बता भी रहा है कि फलाना है, तो आप इतना समझिए कि उतनी ही परीक्षा भी होगी, वो इतना आसान नहीं होता। ये मत सोचिए, ये इस सोच के साथ कभी नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर से पूछ लेंगे, परमेश्वर बता देगा कि फलानी नौकरी है, बाकी सबको दरकिनार करो, इसके लिए तैयारी करो और वो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात को चाहा है। परमेश्वर ने चाहा है तो ऑटोमेटिक पूरा होता है, नहीं, परमेश्वर की मर्जी ऑटोमेटिक पूरी नहीं होती। हम लोगों को उसको पूरा करने के लिए यत्न करना पड़ता है, यहां तक कि प्रार्थना करना पड़ता है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि वो उस रीति से नहीं। अगर वैसा होता तब तो परमेश्वर ने बहुत कुछ डिजाइन किया होता। इस दुनिया में बहुत कुछ है नौकरी करने के ख्याल से, जैसे सेना में नौकरी, कोई सेना में जाना चाहते जा सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के मन में दुनिया की उत्पत्ति से पहले ही आपके लिए योजना थी कि आप सेना में नौकरी करें, तब तो उसने लड़ाइयों के बारे में भी सोचा होगा कि दुनिया के लोगों को एक दूसरे से लड़ना होगा, तभी जाकर मेरा वो बेटा एक दिन सेना में भर्ती होने के लिए जाएगा। क्योंकि लड़ाइयां नहीं होंगी तो कभी उसकी वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं होगी। परमेश्वर उस रीति से नहीं सोचता। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट सोचता है। वो चाहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर पाएं, क्योंकि हम लोग इसराइलियों के दृष्टांत में इस बात को पाते हैं। मैंने एक बार आपको बताया था, पहला कुरिन्थ 10वें अध्याय में एक दृष्टांत है, पहले पद से लेकर पद 11 तक, वहां पर इसराइलियों के विषय लिखा गया है। वे मिस्र से निकलकर कनान जा रहे थे और जो कुछ उनके साथ हुआ, 11वां पद कहता है, वो दृष्टांत की रीति पर हुआ उनके लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हम लोग जगत के अंतिम समय में रहते हैं, तो हमारे लिए वो दृष्टांत की रीति पर हो। वो मिस्र से निकलकर कनान जा रहे थे, तो मिस्र से निकलने के संबंध में जो घटना है उसको अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में, तो हम इस बात को पाएंगे कि जब वे गुलामी में थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस जाति को अपने लिए चुन के रखा था, उनके पितरों को भी चुन कर रखा था, उस जाति को चुन कर रखा था, तो वे लोग गुलामी में थे, मिस्रों के द्वारा सताए जा रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि छुड़ाए जाए, लेकिन सिर्फ इतना नहीं चाहता था कि वह छुड़ाए जाए, वो चाहता था कि भरपूरी के जीवन को प्राप्त करे। और उसने मूसा से बातचीत की, और जब मूसा इस बात को सुना, तो हम लोग उसको पढ़कर देखेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय पद 17, जब उसने मूसा से बातचीत की तो उससे क्या कहा, उसने कहा निर्गमन 3:17 देखिए लिखा, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। मैं तुम्हें मिस्र के गुलामी से निकालकर ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। मतलब वह देश ऐसा है जिसमें भरपूरी है। उन्होंने तो वहां जाकर देख भी लिया था कि वास्तव में वहां के फल फूल बहुत अच्छे थे। उन्होंने खुद गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय में इस बात को गवाही दी कि सचमुच उस देश में दूध और मधु की धारा बहती, सचमुच उस देश में भरपूरी है, बहुतायत है, जो कुछ हमें चाहिए उस देश में पाया जाता है। तो परमेश्वर की जो योजना थी वो ये थी कि इसराइलियों को मिस्र से निकालकर एक ऐसे जगह पर ले जाए जहां पर दूध और मधु की धारा बहती, भरपूरी का देश है। और ये दृष्टांत की रीति पर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर भी जब हमें संसार से निकालता है और अपने लिए ले चलता है, तो हमारे लिए ऐसे उत्तम चीजों का प्रबंध किया है जिसको हम तुलना कर सकते हैं दूध और मधु के देश, क्योंकि वो उनके साथ जो कुछ हुआ वो दृष्टांत की रीति पर था। और वो हमारे लिए वास्तव में, वहां तो छाया थी, पुरानी बातें तो छाया थी, मूल वस्तु मसीह में, तो जो भरपूरी इसराइलों के लिए वादा किया गया था उससे बेहतर भरपूरी हमारे लिए। आपको वचन से बता रहा हूं, थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, अनुभव से नहीं, क्योंकि अनुभव इससे उल्टा पुल्टा रहता है, इसलिए हमेशा अनुभव को दरकिनार करने की कोशिश करता हूं।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा हमारा जो अनुभव है वो वचन के मुताबिक हो। तो अनुभव को दरकिनार करके बातें करें। तो इतना जानिए कि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे प्रति वो ये है कि हम लोग भरपूरी को प्राप्त करें। लेकिन जब उसने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, तो पहले ही बता दिया कि वहां कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोग रहते हैं। मतलब जो दूध और मधु का देश है, जिसमें मैं तुमको जाकर ले जाऊंगा, जहां का फल तुम खाओगे, जहां की जमीन में तुम रहोगे, जिन चीजों को तुम भोगोगे, वो ऐसी खाली नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी वहां पर बैठे हैं उसको भोग रहे। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो इस बात को समझा कि परमेश्वर ने हमारे लिए इसी प्रकार की भरपूरी को रखा है, जो इस संसार में कई उत्तम उत्तम पदों के रूप में, कई उत्तम स्थानों के रूप में, जहां पर संसार में कई लोग बैठे हुए जो प्रभु के नहीं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता था कि उसके इसराइली लोग उस पर भरोसा करके आगे बढ़े और उस स्थान को अपने कब्जे में कर ले। आज परमेश्वर की यही मर्जी है कि हम में से प्रत्येक जन इस रीति से आगे बढ़े कि उन उत्तम स्थानों को अपने कब्जे में कर ले। इसलिए कभी हम लोगों को छोटा नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत छोटा सोचने लगते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जिसने हमारे लिए बहुत बड़ा सोचा। इसलिए हमारी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटा सोचते तो छोटा ही विश्वास करेंगे, लेकिन आप बड़ा सोचते हैं तो बड़े के लिए आप विश्वास करेंगे, बड़े का सब प्रतिफल भी पाएंगे। बड़ा सोचना चाहिए। हम सोचते हैं कोई छोटी सी नौकरी हमको दे दे प्रभु, उतना ही हम संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, अच्छा संतुष्ट रहना बहुत अच्छा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा भी बताऊं, परमेश्वर की मर्जी सिर्फ उतनी नहीं, परमेश्वर की मर्जी बेहतरी के लिए। सो आपको बड़ा सोच सकना चाहिए। हो सकता है आप जितना छोटा सोच रहे हैं उससे बेहतर प्रशासनिक सेवाओं के लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रशासनिक सेवाएं जहां पर हैं, जिसमें लोग बैठे हुए हैं, आईएएस लोग बैठे हुए हैं, अब बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं, और जो उन्नति के काम होने चाहिए हो नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के अपने लोग वहां पर होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अच्छा काम करेंगे, दुनिया के बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा, परमेश्वर की भी महिमा होगी कि उसका एक व्यक्ति वहां पर है। तो हमको उसके लिए भी सोचना चाहिए। जो आईपीएस बन के बैठे हैं वो दूसरे लोग बैठे हुए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग भी वहां पर पहुंचे। जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर होने के स्थान पर परमेश्वर चाहते हैं कि उसके अपने लोग पहुंचे। अच्छे इंजीनियर होने के स्थान, अच्छे साइंटिस्ट होने के स्थान पर, और उसी प्रकार छोटे से लेकर बड़े तक हर स्थान पर परमेश्वर के लोग पाए जाए, ताकि हर स्थान के लोगों को प्रभावित किया जा सके। इसलिए पहले अपने सोच को बड़ा कीजिए, सिर्फ छोटा नहीं सोचिए। और जो बातें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, वो कुछ बातें, उसमें से कुछ बातें डायरेक्टली आपके लिए होंगी, और उनमें से कुछ बातें अगली पीढ़ी के लिए होंगी। अगली पीढ़ी के लिए भी मैं अभी से प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए रखा है कि मैं ना सिर्फ अपने साथ की पीढ़ी को प्रभावित करूं, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी को भी प्रभावित करूं। क्योंकि पहले की पीढ़ी में जब हम लोग छोटे थे, उस समय हमें कुछ बातें नहीं सिखाई गई, जिसका नतीजा हम लोग भोग रहे। लेकिन अगर हम लोग उन बातों को सीख लें, तो आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ काटेंगे, उसका लाभ ले लेंगे। तो उन बातों को सीखना चाहिए। तो छोटा सोचना बंद कीजिए, बड़ा सोचना आरंभ कीजिए। फिर इसमें सवाल उत्पन्न हो जाता है कि अब बड़ा सोचे तो क्या सोचे। लेकिन जो भी आप सोचें, तो आप इतना जाने कि जब इसराइलियों को इस प्रकार से कहा गया था, तो उनको यह भी आशीष दी गई थी कि जो कुछ वे करेंगे उसमें आशीष पाएंगे। व्यवस्था ग्रंथ की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसके 3-5, उसमें आज्ञा पालन की एवज में उनको आशीष दी गई थी। कहा गया था, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो उनको आशीष दी गई थी, जो उनकी परिस्थिति थी उनके मुताबिक उनकी भाषा में बातचीत की गई थी, क्योंकि वे तो जंगल में जा रहे थे, करान में पहुंचेंगे, वहां पर कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो ऑलरेडी जो सरकार है उस सरकार को तो गिरा देना है, मतलब भगा देना है। कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी,
उनको तो हटा देना है। तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी लेकर इंतजार कर रहा है। तो इसराइलियों की परिस्थिति यह थी कि वहां जाकर करेंगे तो क्या करेंगे, जाके खेती ही करेंगे, वहां जाके करेंगे तो क्या करेंगे, जाके भेड़ ही पालेंगे, गाय ही पालेंगे। तो उनकी भाषा में बातचीत की गई और कहा गया, धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में। ये तो करेगा क्या, तू खेत में रहेगा तो खेत में जो भी काम करेगा उसमें तो धन्य, उसमें तो आशीषित हो। और भेड़ बकरी आदि पशुओं को के बच्चे, भूमि की उपज, मतलब जो काम तू वहां जाकर करने वाला उसमें तू आशीष पाए। उसी रीति से हम अपने लिए इसको ले सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि जाकर सिर्फ खेती ही करो, सिर्फ भेड़ ही पालो, नहीं। अपने स्थान पर समझिए, अब सिस्टम चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो यहां पर हम जो करेंगे उसमें हम धन्य होंगे, उसमें हम बढ़ती पाएंगे। जहां पर हम होंगे हम भी बढ़ती पाएंगे, और जहां हम होंगे वहां पर हमारे कारण से वो लोग भी बढ़ती पाएंगे। जैसे यूसुफ मिस्र में जब था, वो अपने घर में याकूब के घर में रहता तो घर बढ़ती पाता, तो उन्होंने उसको भगा दिया। पता नहीं बढ़ती से उनको क्या नफरत थी उसके भाइयों को। वो चला गया मिस्र पोतीपर के घर, पोतीपर के घर में रहने लगा, पोतीपर बढ़ती पाया, फिर उसको जेल में डाल दिया तो जेल बढ़ती पाया, उसके संपर्क में जो लोग आया लोग बढ़ती पाए, और यूसुफ भी बढ़ती पाया। तो उसी प्रकार हमारे लिए भी, हम जहां रहेंगे इसी मेंटालिटी के साथ में रहेंगे, हम जहां रहेंगे हमारे कारण लोग आशीषित होंगे। मैं हमेशा इसी नजरिए से देखता हूं, क्योंकि मैं इस बात को पाता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि जो अब्राहम की आशीष है वो मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, जो उससे वादा किया गया था तू आशीष पाएगा, तू आशीष का मूल होगा, वही आशीष हमारे लिए है। मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष का मूल होऊंगा, बल्कि ये भविष्य की बात नहीं है, अभी की बात है। मैं इस बात को सोचता हूं कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सेंट जेवियर्स कॉलेज में हम लोग एडमिशन लिए थे, जब हम लोग एडमिशन लिए थे उस समय वो ऑटोनोमस नहीं था, मतलब बहुत पहले की बात है, वो ऑटोनोमस नहीं था, ईयरली सिस्टम था, साल में एक दफा एग्जाम होते थे वहां। तो उस समय हमारा एडमिशन हुआ था, और उसके पहले, उसके ठीक पहले मेरे साथ कुछ हुआ था कि मैं फेल हो गया था, एक साल मेरा नुकसान हुआ था, लेकिन प्रभु को जानने के बाद में आगे बढ़ना था। तो जब 6 महीने गुजर गए, क्योंकि अगस्त के महीने जुलाई के आसपास से क्लास स्टार्ट होते हैं दिसंबर, और उसके बाद जब जनवरी में हम लोग आए तब हम लोगों को पता चला, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब इसको ऑटोनोमस दे दिया गया, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम से एग्जाम होगा। तो 6 महीने बीते थे और उसके बाद उसको ऑटोनोमस दे दिया गया, मतलब देना ही था, तो इतना बीच सेशन में ऑटोनोमस देने का क्या मतलब है, अब सेशन पार ही हो गया है तो पार होना दीजिए, उसके बाद वाले सेशन से ऑटोनोमस दीजिए। लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि परमेश्वर ने मुझे वहां रखा था, मैं यूसुफ से कम नहीं समझता हूं अपने आप को, मैं ज्यादा ही समझता हूं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्रियों से जो भी उत्पन्न है उससे बड़ा है, और जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। तो यूसुफ के द्वारा वो आशीष है तो मेरे द्वारा भी है। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने जब मुझे वहां रखा तो उसको एक 6 महीने के बाद जो मिलना चाहिए था उसको रोक कर 6 महीना पहले ही दे दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से मैं जहां भी जाता हूं उसी रीति से सोचता हूं, आप भी उसी रीति से सोचिए। जहां पर आप जाएंगे, जहां पर आप काम करेंगे, आप तो खुद आशीष पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन आपके द्वारा वो लोग भी आशीष पाएंगे। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, कई बार तो बड़े निराश हो जाते हैं, अफसोस जताते हैं कि मुझे निकाल दिया गया। अपनी मानसिकता को बदल लीजिए, रोने की आपको जरूरत नहीं, उनको जरूरत है। आप वहां रहते तो आपके चलते उनको आशीष मिलता, आपको निकाल दिया तो उन्होंने आशीष को खो दिया। इसलिए मैं कभी अफसोस नहीं करता हूं किसी बात को लेकर, जो कुछ चुक जाता है मैं उस बात को अफसोस नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ मेरे सामने बहुत ऑफर आए, मैंने उन ऑफरों को हाथ नहीं लगाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं यही मेंटालिटी रखता हूं कि मैं जहां पर हूं उनके लिए आशीष का कारण हूं, और जहां पर मैं मान लिया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, इतना सिंपल नहीं, उन्होंने उस आशीष को भी रिजेक्ट कर दिया जो मेरे द्वारा वहां मिलता रहता। इसलिए मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, मुझे रोने की जरूरत नहीं, उनको जरूरत है।
इसलिए कभी मत अफसोस कीजिए। बस इतना जानिए कि हम धन्य हैं जहां भी हम काम करेंगे उसमें। और आठवें पद से लिखता है, तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। खत्तों पर अर्थात वे खेती करेंगे तो जिस अनाज को जिस जगह पर रखेंगे वो खत्ते होंगे। तो आप खेती नहीं करेंगे तो जो भी आप नौकरी करते हैं पैसा कमाते हैं उसकी कमाई उसमें आशीष परमेश्वर देगा। और लिखता है दसवें पद से ग्यारहवें पद से, और जिस देश के विषय यहोवा ने पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। मतलब उनका जो काम रहेगा वो सीमित नहीं रहेगा। वो खेती करते थे तो इतना करते थे तो इससे जितनी उपज होती है नेचुरल रूप से सिर्फ उतनी नहीं होगी उसमें बढ़ती होगी। वो पांच भेड़ पालते थे तो जिंदगी में पांच भेड़ नहीं पालेंगे, वो पांच से 25 और 250 हो जाएंगे। परमेश्वर उसमें बढ़ती करेगा। तो जो काम हम यहाँ पर पृथ्वी पर करेंगे, अभी चुने नहीं है कौन सा काम, थोड़ी देर ठहरी मैं आपको वहां पर भी लाभ ला दूंगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप काम करने लगेंगे तो जो भी काम करेंगे छोटा से शुरू करेंगे तो मत सोचिए कि छोटा ही रहेगा। जब आप परमेश्वर के साथ में चल रहे परमेश्वर विश्वासी हो गए वो उसको बड़ा करेगा। पहले आपके पास में इतना सा रहेगा दिखाई देगा, इससे क्या होगा, बहुत अफसोस करना मत शुरू कीजिए। आप इस बात को स्मरण कीजिए, परमेश्वर ने कहा धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, इसी में मैं धन्य हूं। परमेश्वर इसे बढ़ाने जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर उसे बढ़ाने जा रहा है, वो उसको बढ़ाएगा, उसको बड़ा कर देगा, वो उतना ही लिमिटेड नहीं रहेगा, उसको बड़ा कर देगा। जिस पद में आप हैं वहां से आपको प्रमोट कर देगा, वहां से आपको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए कि उसके लोग उत्तम स्थानों पर पाए जाए। ये सिर्फ आपको और हमको नहीं चाहिए, हम लोग तो छोटा सा सोचते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उत्तम स्थानों पर जाए। पहले अपने दिमाग को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, तब मैं अंत में आऊंगा कि आपको कैसे चुनाव करना चाहिए। फिर उसके आगे देखिए बारहवें पद से, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर ऐसी भरपूरी को देगा कि मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, उधार दे सकते दूसरों को दे सकते, इतना पैसा परमेश्वर दे देगा, इतनी कमाई हम कर पाए। मतलब हमको अपने जीवन की जरूरत पूरी करने के लिए किसी का मुंह तकने की जरूरत नहीं। यदि आप दे देते तो हमारा काम चल जाता, लेकिन परमेश्वर उस काम में ऐसी भरपूरी देगा कि जो भी काम हम करेंगे उससे इतनी भरपूरी होगी कि हमारे पास पैसा बच जाएगा, इतना बच जाएगा कि जो जरूरतमंद है उसको हम दे सकते हैं। और लिखता है यहां पर उधार लेने के विषय में, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखता है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। बहुतेरी जातियां, जैसी बहुतेरी जातियां आ गई तो उसका मतलब है जो गैर इजरायली है उनको, जो उनके साथ में रहेंगे गैर इजरायली, वे लोग ऐसी स्थिति में रह सकते हैं कि उनको उधार लेना पड़े। लेकिन ओरिजिनली परमेश्वर के मन में यह है कि इजरायली जहां पर रहे इजरायली उनको उधार लेना ना पड़े, वे लोग ऐसी भरपूरी में रहे कि महाजन के समान वे दूसरों को उधार दे सके। क्यों? क्योंकि जब दूसरे लोग उधार देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सूद वसूल लेते हैं, लोग उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। जो उसके अपने लोग होंगे वे लोग उधार देंगे तो किसी को सताएंगे नहीं, उसकी भलाई के लिए सोचेंगे, उनके पास भरपूरी होगी। So, परमेश्वर के मन में ये बातें हमारे लिए। अब हम कैसे जाने कि मुझे क्या चुनना चाहिए, उसके लिए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं। एक्चुअली उसको चुनना कोई कठिन नहीं है, हम लोगों ने उसको कठिन बना दिया, हम लोगों ने सोच सोच कर उसको कठिन बना दिया। लेकिन उसके चौथे अध्याय में देखिए, आदम हवा की कहानी आप जानते हैं कि उनको अदन की वाटिका से आउट कर दिया गया। और जब वे लोग वहां से चले गए तो उसका जो बेटा था बड़ा बेटा कैन, उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर ने भी उसको आउट कर दिया। और वचन कहते हैं 16वें पद से, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। जब आप इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, तो यहां लिखा है कैन वेंट आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति से मानो निकल गया, क्योंकि वह अदन में उपस्थित होता था, वो उससे निकल गया। और जो जिंदगी उसने अदन के पूर्व में जाकर बिताई वो परमेश्वर के बिना जिंदगी बिताई,
उसने ऐसे जिंदगी बिताई जिसमें परमेश्वर और उसके बीच में कोई खास संबंध नहीं। वो परमेश्वर के बिना अपने जीवन को जी रहा है, जैसे संसार के जो लोग हैं वो परमेश्वर के जीवन से रहित है, उसकी वाचाओं के रहित है, उसके प्रतिज्ञाओं की वाचाओं से दूर है, अनजान, उसकी आशीषों से परे, क्योंकि वे यीशु मसीह के पास में नहीं, वे अपने जीवन को जी रहे हैं। उसी प्रकार जो कैन था वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, उसने अपना जीवन बिताया, लेकिन जब उसने जीवन बिताया तो उसके वंशज उत्पन्न हुए, एक पीढ़ी के बाद कई पीढ़ियां उत्पन्न हुई, और उसी में से अगर आप 20वें पद को पढ़ेंगे तो लिखता है आदा ने याबाल को जन्म दिया और वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। अब यह जो याबाल है कैन के वंश में से, जो परमेश्वर से दूर जीवन व्यतीत कर रहे, उसमें से जो याबाल निकला वो याबाल तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। उसने एक नई चीज की शुरुआत की। पहले लोग पशु नहीं पालते थे, उसने पालना आरंभ किया, क्योंकि पशु पालने से जो फायदा हो रहा है वो पशु नहीं पालने से फायदा नहीं था, तो उसने कुछ नया शुरुआत कर लिया। उसने अपनी नौकरी खुद ही ढूंढ ली, हालेलुया, जबकि वो परमेश्वर से दूर था, उसकी उपस्थिति से तो लोग सपरिवार निकल गए थे। उसी समय उसने इस बात को पा लिया कि मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ नया कर सकता हूं, पशुओं को पाल सकता हूं। पशु पालना उसने आरंभ किया, उसने तंबुओं में रहने के प्रचलन को आरंभ किया। और यही नहीं, वचन कहता है कि इसका जो भाई था जिसका नाम युबाल था, पद 21, वो वीणा बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक। अब देखिए, ये तो संगीतकार निकला, जबकि ये परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, दे आर आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन नया काम कर रहे। ये नया काम करने की शक्ति इनको कहां से मिल रही है, उसकी प्रेरणा कहां से मिल रही है। और उसी प्रकार उसके आगे आप पढ़ेंगे पद 22, सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक पुत्र को जन्म दिया, पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। अब ये जो हुआ, उसने एक नया काम ढूंढ लिया कि धरती खोदकर पीतल और दूसरे चीजों को निकालो और हथियार बनाओ, औजार बनाओ, क्योंकि उससे जब काम करते तो काम जरा आसान हो जाता है और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। जो दूसरे लोग जितनी मेहनत से कमा रहे हैं, उससे कम मेहनत से कमाए। उन्होंने नई नई चीजों को शुरू किया जबकि ये परमेश्वर से दूर थे। मैं सोचने लगा कि क्यों ऐसा हुआ, परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, ये तो परमेश्वर से दूर है फिर भी एक से एक काम कर रहे हैं, नए से नए आविष्कार कर रहे हैं, अद्भुत से अद्भुत कामों को कर रहे हैं, पहली दफा किसी काम को करें, शुरुआत करें, कैसे। तो मैंने इस बात को समझा कि जो हमारा परमेश्वर है वो फुल पैकेज है, उसमें किसी बात की कमी नहीं, कभी किसी बात की जरूरत पड़े परमेश्वर उसको कर सकता है। और जब उसने पहली दफा आदम को बनाया तो लिखता है कि उसने उसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, फिर आदम पाप कर, लेकिन परमेश्वर ने उससे ये गुण नहीं छीना कि वो उसके बिना कुछ ना कर सके, उसके बिना भी वो बहुत कुछ कर सकता, उसके भीतर में टैलेंट को जो उसने दिया था उसने छोड़ दिया, उसके भीतर में उसने कुछ गुणों को जो उसके भीतर रहेंगे उसको प्रेरित कर सकते हैं कि मैं ये पशुपालन शुरू करूं, मैं हथियार बनाना शुरू करूं, मैं संगीत शुरू करूं, ये सारे जो चीजें थी वो उसके भीतर ही छोड़ दिया, पाप के वजह से वो नष्ट नहीं हुआ। और इसलिए ये कैन जो परमेश्वर से दूर चला गया उसके भीतर में ये बातें थी, और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलते चले गए उनके भीतर में भी ये बातें थी, और उसी में से कोई किसी ने समझा कि मेरे अंदर ये आता है कि क्यों ना पशुपालन कर लिया जाए, तो चलो करते हैं। उसी में से किसी ने चुन लिया क्यों ना जरा संगीत कर लिया जाए, तो करने लगे, क्यों ना हथियार और औजार बना लीजिए, तो करने लगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम में से प्रत्येक जन के भीतर में, चाहे वो परमेश्वर का है चाहे नहीं, चाहे वो वाचा के तहत आया है चाहे नहीं, प्रत्येक जन के भीतर में परमेश्वर ने इस प्रकार की बातों को दिया इनबिल्ट। आपके भीतर से वो आवाज आएगी, आपके भीतर से वो लालसा उत्पन्न होगी कि आप क्या करें, और आपके भीतर की वही लालसा वही आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, वही आपको बताएगी कि आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा आय का स्रोत चुनना चाहिए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछने की जरूरत नहीं। आप अपने भीतर जाकर देखिए क्या लगता है। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार टीवी में एक बच्ची का इंटरव्यू देख रहा, छोटी सी बच्ची थी, और उसको पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहती, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती, छोटी बच्ची थी।
तो उसने उस उन, जो इंटरव्यू ले रहा था वो उसको पूछने लगा कि तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहती। तो उसने इस बात का जवाब दिया, क्योंकि मैं लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। जब मैं देख रहा था उस समय मेरी सोच इतनी ज्यादा नहीं थी, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, बहुत पहले की बात, आज से 10-15 साल पहले। लेकिन मैं इस बात को सोचता हूं कि वो छोटे बच्चे डॉक्टर क्यों बनना चाहती है, क्योंकि उसके भीतर में ये बात आती है कि मैं लोगों को बीमारी से तड़पते हुए नहीं देख सकती, मैं चाहती हूं कि उससे उनको छुटकारा हो जाए, उसके लिए मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। असल में जो काम है हम लोगों ने उसको उस रीति से नहीं देखा, हम लोगों ने सिर्फ उसको पैसे कमाने की रीति पर देखा, यहीं पर गड़बड़ होगी। आज लोग डॉक्टर बनना चाहते क्यों? क्योंकि पैसे कमा सकते। और जब इस मेंटालिटी से डॉक्टर बनते हैं तो लोगों की जान लेकर पैसे ले लेते हैं। डॉक्टर जानलेवा। लेकिन अगर आप उस मेंटालिटी से आए हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकते, तो वास्तव में आप डॉक्टर का काम करेंगे, वास्तव में उस काम को आप इंजॉय करेंगे, वास्तव में उस काम को करते हुए आपको तकलीफ नहीं होगी। और नहीं तो रात में जब आपको लोग उठाएंगे कि जरा हमारी मदद करो, हमारी परेशानी, तो आप कहने लगेंगे लोग दिन में चैन से रहने देते ना रात में। उसी प्रकार बहुत सारी नौकरी ऐसी होती है जो पैसे की मेंटालिटी से लोग आ जाते हैं, और जब नौकरी करने लगते हैं तो लगते हैं ये तो ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ना पड़ेगा, दूसरी नौकरी ढूंढो, दूसरा करो, मजा नहीं आ रहा, ठीक पैसा नहीं मिल रहा, या पैसे को लेकर और भी कुछ दूसरी समस्या है, वो सारी बातें आ। शिक्षा के जगत में भी ऐसे ही हो गया, लोग क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं? क्योंकि आजकल तो सरकार शिक्षकों को बहुत पैसे देती है और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, जो चीजें आप पढ़े हैं उसी को पढ़ा देना है बच्चों को, बहुत आसान है। और कुछ हो सकता है तो आप ट्यूशन कम पढ़ रहे, तो ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा लीजिए, और लोगों ने पूरी शिक्षा को बर्बाद कर दिया। हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, स्कूल में कॉलेज में हमको जितना पेमेंट मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, हमको मिल रहा है उतना ही काफी है, तुम लोग जानो नहीं जानो उसके मतलब, तुम लोग नहीं भी समझोगे तो हमको कोई कम पेमेंट मिलेगा ऐसी बात, ज्यादा भी समझ जाओगे तो हमको क्या फायदा। सब चीज हमको बर्बाद कर दिए क्योंकि पैसे की मेंटालिटी से आ रहे। लेकिन इस बात को देखना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मैंने इस बात को पाया कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, सिखाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, उनको एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी पढ़ाते हुए या सिखाते हुए मुझे इरिटेट नहीं महसूस होता, बोर नहीं महसूस होता, मैं थकता नहीं, मैं उसको एंजॉय करता हूं। उसके लिए पैसे दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एंजॉय किया इतना देर, जितनी देर मैंने आपको सिखाया मैंने एंजॉय किया, वो मेरे भीतर से निकलता है, उसको बोझ के रूप में नहीं लेता, अरे इतना ज्यादा पढ़ाना है, मैं ऐसे नहीं सोचता, वो मेरे लिए आनंद की बात। उसी प्रकार अपने भीतर में झांक कर देखिए, सबसे पहले यही होना चाहिए। लेकिन अभी निर्णय लेने के हिसाब से ये थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगली पीढ़ी के लिए भी मैं मैसेज दे रहा हूं। लेट क्या हो गया कि अब आप उस उम्र में आ गए जब आपको तत्काल नौकरी चाहिए, है ना? और अब मैं आपको कह रहा हूं कि अपने भीतर जाकर देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो आपने पाया कि मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो उधर चल निकला हूं, अब कैसे होगा? कोई बात नहीं, कुछ चीजों को हमने अधूरा देखा, उन्हीं को तो सुधार रहे, अगली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना होने पाए। मैंने अपने ये में क्या देखा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं वहां पढ़ने के लिए साइंस, और क्योंकि उनकी सही काउंसलिंग नहीं हो पाती जब वे 10th पास करते हैं, उसके बाद तो वे लोग सोचते हैं कि साइंस पढ़ना चाहिए, और यूं ही साइंस लेकर चले आते हैं, साइंस ले लेते हैं। साइंस उसी को पढ़ना चाहिए जिसको उसको पढ़ने में मन लगता है, खुद से पढ़ सकता है, खुद से मन लगा सकता है। अगर नहीं मन लगता है बेहतर है ना, वो खुद भी बर्बाद होगा, साइंस को भी बर्बाद करेगा, अपना भी समय खराब करे, उसके जगह कुछ दूसरा कर सकता है जिसमें उसको मन लगे तो बेहतर कर सकता है। तो शुरुआत में, अब ये आपकी बात नहीं है, आप अभी इंटर चुनाव नहीं करने वाले, अभी आप ग्रेजुएशन के लिए चुनाव नहीं करने, आप कर चुके, आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखिए,
आपके जो बाल बच्चे हो, आने वाली जो पीढ़ियां हो जिन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया है, जब स्कूल में हो, उनको ऑब्जर्व कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए, ऑब्जर्व करें, उनको ध्यान से देखिए कि उनके भीतर में क्या है, क्या चीज उसको अच्छा लगता है, उस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। और आगे चलकर आप देखिए कि उससे संबंधित कौन सी बातें हैं जिसमें हम उनको आगे भेज सकते हैं, उनको आगे लेकर जाइए और आप पाएंगे कि उस क्षेत्र में एक्सीलेंट होंगे, क्योंकि उनके भीतर से निकल रहा है, परमेश्वर ने इनबिल्ट उनके भीतर में रखा था। कैन और उसके जितने वंशज थे उन्होंने इस बात को समझ लिया था, इनबिल्ट रखा हुआ है, नया नया काम शुरू करने लगे। लेकिन कैन के जगह जो हाबिल था, कैन के बदले हाबिल के बदले में जो बेटा उत्पन्न हुआ शेत, लिखता है कि वे लोग उस समय से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, वे लोग सिर्फ प्रार्थना विनती में समय बिताते। उसके वंश से कैन आया, नूह आया, लेकिन उसके वंश में नोट नहीं किया गया कि उन्होंने कुछ नया आरंभ किया। प्रभु के लोग ऐसे ही हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य का जो मतलब है उससे प्रार्थना विनती प्रभु प्रभु इसी से संबंध रखता है, और अपने भीतर जो इनबिल्ट है उसको भूल जाते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि हमारे भीतर जो इनबिल्ट है बिना प्रभु के भी चल सकता है, वो जब हम प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ मिल गए तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जो बिना प्रभु के बहुत सारे आविष्कार किए, जो हमारे जो लोग होंगे उनके भीतर इस प्रकार की बातें होंगी, उसके साथ प्रभु मिल जाए तो कितनी बड़ी परिवर्तन की बात हो जाएगी, कितनी क्रांति आ जाएगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा, हम लोग सेठ के वंश से अपनी सोच को बदल लिया। आपके भीतर जो था हो सकता है वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बातें पूरी होने पाए, क्योंकि उसी दिशा में उनको भेज सकते हैं, उसी दिशा में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। उनके भीतर से, खुद के भीतर से प्रेरणा मिल रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य उससे मिल रही है, फिर उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम दूसरी तरफ जाना चाहते थे, हम इधर आए हैं, तब थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। लेकिन इतना स्मरण रखिए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं भी हुआ तो जिस काम में आप हाथ लगाएंगे यह हुआ उसमें आपको आशीष देगा। सो अगर वैसा चुनाव नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अब आपकी परिस्थिति सामने पड़ी है कि क्या करें। तो उस परिस्थिति में यदि संभव होगा, यदि आपके भीतर जो आता है उसको बाद में पूरा करने के लिए संभव होता है तो उसको दिमाग से मत निकाल दीजिए, एक दिन उसको किसी रीति से पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो सामने दिखाई पड़ता है जिसको हम ले सकते हैं उसको ले लीजिए। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपके लिए कौन सी नौकरी रखी है, बैंक की, रेलवे की, पुलिस की, या IAS की, या IPS की, या राष्ट्रपति बन। परमेश्वर ने ऐसा नहीं रखा, लेकिन जो आपके सामने पड़ता है, अब जो आपके सामने पड़ता है, क्योंकि पहले जो गलती हो गई उसको अब सुधारना है, अब पीछे जाकर नहीं सुधारने का मौका है, क्योंकि उसने कहा वर्तमान भी तुम्हारा, भविष्य भी तुम्हारा, भूतकाल तुम्हारा नहीं रहा, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब यहां से आगे बढ़ना है। तब आगे जो दिखाई पड़ता है उसी को ले लेना है। इसलिए लिमिटेड नहीं सोचना चाहिए, हमको चारों तरफ का सोच सकना चाहिए, फिर भी स्पेसिफिक रहना चाहिए एक ही फील्ड। मान लिया आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट्स से रिलेटेड सोचिए, उसी समय साइंस का मत सोचिए। चारों तरफ दिमाग लगाएंगे तो कहीं नहीं जा पाए, चारों दिशा में आप एक ही साथ में नहीं बढ़ सकते, किसी एक ही दिशा में बढ़ना पड़ेगा। तो एक दिशा, उससे संबंधित जितनी आते हैं एक चीज, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, और ये इंतजार कीजिए कि परमेश्वर आपके भीतर में क्या प्रेरित करता है, किस रीति से तैयारी करें, किस रीति से पढ़ें, और परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा, बताएगा किस रीति से करें, तैयारी करें, और आप उसको कर लें। मैं जब तैयारी करता था, मैं पढ़ता था, जब मैं कॉलेज में था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बताइए मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, इतना इतना सिलेबस है, पढ़ने का समय बहुत कम है, मैं कैसे पढ़ूं, सब कुछ कवर करना है। मैं प्रार्थना करता था तो प्रभु मुझे आइडिया देता था कि मुझे दो दिन में चार चैप्टर कंप्लीट कर लेना, तभी जाकर हम बाकी को पढ़ सकते हैं, और नहीं तो नहीं पढ़ पाए हम, वहां पर बिना रणनीति के नहीं पढ़ सकते, रोज इतना स्लो जा सकते, फिर तो पता चला हम पढ़ ही नहीं पाए, हर एक पुस्तक का एक एक चैप्टर पढ़े और खत्म हो गया, टाइम आ गया, नहीं रणनीति देखनी पड़ी। परमेश्वर से पूछा, आपके भीतर प्रेरित करेगा, कैसे करें कि सब कुछ कवर हो जाए, उससे संबंधित जितनी बातें कैसे कवर हो जाए, उसके लिए कौन व्यक्ति सहायता कर सकता है, कौन से इंस्टीट्यूट मदद कर सकते हैं, कौन से लोग सहायता कर सकते हैं,
आपके भीतर में आइडिया देगा परमेश्वर, क्योंकि आपसे प्रेम करता है और आप उसमें आगे बढ़े। फिर एक और बात इससे संबंधित, जो हमारे लोग हैं, मैंने उनको आमतौर पर देखा है, जो परमेश्वर के लोग हैं आमतौर पर सिर्फ दो ही बातों को सोचते हैं पारंपरिक रूप से। हमारा जो इस क्षेत्र में है, ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा जमीन है, पारंपरिक रूप से लोग खेती बाड़ी करते हैं और दूसरा ऑप्शन नौकरी करते हैं, प्राय यही दो बातें। इसके अलावा तीसरी बात उनके मन में दिमाग में नहीं आती, या तो खेती बाड़ी करो या तो नौकरी करो, नौकरी नहीं करना है तो हल चला। किसी के दिमाग में नहीं आता कि जरा बिजनेस करें, बिजनेस करना बहुत जरूरी है और हमारे लोग इसको करते नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो अधर्मी का धन है वो धर्मी के लिए रखा हुआ है, आएगा कैसे? जब वो अधर्मी आपकी दुकान से कुछ खरीद लेगा तो उसका धन आपके पास आएगा ना। हमने उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया कि उनका धन हमारे पास आ जाए, उसके लिए सोचा ही नहीं। इस दिशा में सोचिए, लिमिटेड बातें नहीं है कि सिर्फ इतना। दूसरी बातें भी हो सकती है, बिजनेस सिर्फ ये नहीं कि आप दुकान खोल कर ही बैठ गए, चावल दाल लेकर बैठ गए। सोचिए कि कौन सी बात हो सकती है जो कारगर होगी। एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार के दुकान कॉम्पिटिशन में पड़ गए, दुकान डूब गया, पैसे डूब गए। बुद्धिमानी से चुनना पड़ेगा, लेकिन वहां पर आप चुन सकते हैं। और हम लोगों को क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया, अब तो हम लोग सिस्टम के तहत सोचते हैं कि सरकार ये नौकरी वैकेंसी निकालेगी, कंपनी निकालेगी, बैंक निकालेंगे, रेलवे निकालेंगे, तब ना होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिस्टम ऐसा बन गया, लेकिन सिस्टम से हम लोगों को बंधना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के लोग हैं वो किसी सिस्टम के मुताबिक नहीं है। परमेश्वर नहीं कहा कि सिस्टम के मुताबिक मैं तुम्हें आशीष दूंगा, सिस्टम से बढ़कर वो बातें करता है, इसलिए सिस्टम से बढ़कर वो दे सकता है। सिस्टम के परे सोच, सिस्टम को बदलने के लिए सोचिए। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यही सारी बातें जहां से आय के स्रोत आ सकते हैं वहां से भी आएंगे, वहां पर भी हमारे लोग रहेंगे, लेकिन हम सिस्टम को मोड़ने के विषय के लिए सोचते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ जनरेट हो जाए, नौकरियां जनरेट हो जाए। मैं ज्यादा बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर इस विषय में मुझसे बातें कर रहा है। मुझे इस बात को करने के लिए कर रहा है क्योंकि हमारे लोग नहीं सोच पा रहे, तो उसने कुछ मेरे मन में दिया है कि उस काम को करें कि हमारे लोगों के लिए करने का कुछ अभाव ना हो, उनके आय के स्रोत का कुछ अभाव ना हो। एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, उसमें कई लोग, बहुत सारे लोगों योजना में आपको बता नहीं सकता हूं, अभी बोलने की मनाही है, लेकिन आप भी ऐसे सोच सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, हो सकता है परमेश्वर आपके मन में कुछ योजना दे। अब एक और बात, समय तो हो गया लेकिन जरूरी बात है, इसको जल्दी जल्दी करके मैं समाप्त करूंगा। दो बात मैंने कहा था, एक नौकरी से संबंधित, दूसरा हॉट टॉपिक शादी ब्याह। जानना चाहेंगे नौकरी के विषय में आपको परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि हम समर्पित किए हुए हैं कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं चुन सकूं। ये मत पूछिए कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या ठहराया, नहीं ठहराया। आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं सही चुन सकूं, ठीक है। हो सकता है जो इनबिल्ट है उसको चुनने के लिए मदद मिले, समय रहेगा, या हो सकता है कि इनबिल्ट नहीं भी है लेकिन कोई दूसरी बात उसको चुनने के लिए आपको प्रेरणा मिले। उसी प्रकार शादी ब्याह से संबंधित, और इस प्रकार हम लोग जानते बाइबल में कि जब परमेश्वर ने पहले पाल आदम को बनाया तो उसको गहरी नींद में सुला दिया, उसकी पसली निकाला और उसमें से स्त्री बना दिया जिसको उसने हवा कहा। अब ये दोनों पति पत्नी हो गए। आदम जब जाग उठा ना उसका ऑपरेशन होने के बाद, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी को देखा तो बहुत खुश हो गया, उसने कहा कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि नर में से निकाली गई। सूत्रपति की पुस्तक में हम इस कहानी को पाते हैं। और मैंने पिछले समय में क्या सीखा है, मुझे जो लोगों ने कहा था या जो कुछ
सुनते सुनते मैंने यही सीखा कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने किसी दूसरे व्यक्ति को निर्धारित कर दिया है कि वही उसकी लाइफ पार्टनर होगा। मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या जानते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही सीखा था, ऐसे ही मैं सोचता था, क्योंकि लोग तो ऐसा कहते कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, यहां तक कि जो गैर मसीह है वे भी ऐसा मानते हैं कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती है। डायलॉग है, कॉमन डायलॉग हिंदी में, जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया है। आपकी पसली वो किसी जगह है, आपका काम है उसको ढूंढिए, कहां है, कहां है, हड्डी कहां चली गई, ढूंढते रहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने वचन को पढ़ा, मैंने सारी चीजों को वेरीफाई किया, मैंने आपको पहले भी कहा, जब मैंने सीखा कि वचन कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने सारी चीजों को वेरीफाई किया कि कैसे चेक किया जाए कि ये चीजें ठीक है कि नहीं, ऐसी है कि नहीं, तो मैंने वचन को पढ़ा। तो मैंने वचन को जब पढ़ा तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सबके लिए किसी न किसी को चुन के रखा है। आइए हम लोग वचन से देखते हैं, पहला कुरिन्थ और उसके सातवें अध्याय और उसके दूसरे पद को देखिए। कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं उसका अर्थ देखने की कोशिश करूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। पहला कुरिन्थ सातवां अध्याय दूसरा पद लिखता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो उसने कहा कि पति पत्नी हो, मतलब लोग शादी ब्याह करें, मुख्य कारण मतलब इस पद के मुताबिक व्यभिचार के डर से। उसने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो जो तुम्हारी पत्नी होगी होने वाली, या तुम्हारा जो पति होगा तुम्हारा हड्डी और तुमको मिले तो शादी कर लेना। उसने कहा कि इसके डर से, व्यभिचार के डर से शादी ब्याह कर लो। दूसरा, आठवें पद में उसने कहा, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, क्योंकि पौडो शादी शुदा नहीं था, ठीक है। उसने कहा कि अविवाहित और विधवाएं शादी ना करें तो अच्छा है जैसा मैं हूं। फिर उसने क्या कहा, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। और 10-11 इसको देखिए, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या फिर अपने पति से मेल कर ले, ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। और 27वें पद में उसने क्या कहा, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। मैंने बहुत सारे वचन पूरा, आप सातवां अध्याय पढ़ लीजिए, शादी ब्याह से ही संबंधित। अविवाहित और विधवाएं अच्छा है कि शादी ना करें, ऐसा कौन है जो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन पौलुस ने कहा था अच्छा होगा शादी ना करें जैसे मैं हूं, क्योंकि उस समय बड़ी क्लेश की परिस्थिति थी, मसीहों पर बहुत सताव थे, तो पत्नी साथ में रख लेंगे तो पत्नी का केयर करेंगे कि मिनिस्ट्री देखेंगे, बेहतर है शादी नहीं करो ताकि अच्छा से मिनिस्ट्री कर पाओ। अब तो क्लेश वैसा नहीं है, सताव वैसा नहीं, शादी कर सकते। दूसरी बात है, चुनौतियां परीक्षाएं आती रहती हैं तरह तरह की, तो उससे बचने के लिए पत्नी रहे पति रहे तो अच्छा हो। तो जो शादी करने का जो कि जो बात है उसमें उसने कह दिया कि चुनाव कर सकते हैं, अच्छा होगा शादी नहीं करें, नहीं तो कर सकते हैं। आज के समय में पौलुस होता तो लोग उसको ये कहलवाते कि डियर पौलुस ये कहो, पहले तुम प्रार्थना करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कौन सा ठहराया है, तो जाकर उससे शादी करो। वहां चुनने के लिए उन्हें क्यों कहते हो कि तुम मत करो, ठहराया तो फिर वो अकेले पड़ जाएगा ना। अगर शादी करें और ना करें ये चुनाव का विषय है तो किससे करें, ये चुनाव का विषय नहीं है क्या? शादी करें कि ना करें यह भी चुनाव का विषय है, ना करे तो बेहतर पौलुस के भाषण, तो पत्नी की खोज मत कर। कितने लोग इस वचन को सह सकते हैं? तो हमारे ऊपर में छोड़ दिया गया, बेहतर ही यह है कि ना करें। उस समय की परिस्थिति के मुताबिक वो बात कर रहा था,
लेकिन कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है, आपके ऊपर। जब आपके ऊपर है तो परमेश्वर ने नहीं ठहराया, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं। पौलुस ने ऐसा नहीं लिखा कि पहले प्रार्थना करो, यदि तुमको लगता है तुमको शादी करना चाहिए तो जरूर तुम्हारे लिए कोई पत्नी होगी या कोई पति जिसको परमेश्वर ने ठहराया। परमेश्वर से पूछो वो कौन है, और जब प्रकट करेगा उसे शादी कर लेना। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं पाते। आदम के लिए तो था, ठीक है, उसकी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। हम लोगों के लिए जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए एक ही शर्त रखी गई है, किसके साथ शादी हो, किसके साथ शादी हो, उसकी एक ही शर्त है। और वो है कि जो भी व्यक्ति हो वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो। जो अविवाहित और विधवाएं हैं उनके लिए इस प्रकार से लिखा है, मैं थोड़ी देर में उस रेफरेंस को आपको बता दूंगा। वहां पर एक विधवा के लिए लिखा गया था कि विवाह ना करे, और अगर करे तो प्रभु में करे। इसी सातवें अध्याय में ही वह रेफरेंस आपको मिलेगा। हाँ, 39 लिखता है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। ठीक है, ओपन ऑप्शन, मतलब ये विधवा के लिए। अगर विधवा के लिए है तो बाकी लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि विवाह की बात है। लिखते हैं कि जब तक पति जीवित है तब तक किसी और से शादी नहीं कर सकते, डबल मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन पति मर गया तो आजाद हो गई, उसके साथ बंधन में नहीं है, तो अब शादी कर सकती, तो किससे? तो लिखता है जिससे चाहे विवाह कर सकती है परंतु केवल प्रभु में। उसको तो कहना चाहिए था कि उसका तो वो पति था, वो हड्डी था, ना तो पता नहीं किससे मेल होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहा कि जिससे चाहे विवाह कर सकती है, मतलब ऑप्शन है कि चुन सकते हैं, लेकिन प्रभु में। मतलब एक ही बात को चुनने के लिए कहा गया है कि वो प्रभु में है, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। हम लोग एक दफा सीख रहे थे परमेश्वर के वचन को, हम लोग सीख रहे थे कि आदम और हवा के लिए कहा गया हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। बाद में लाबान और याकूब ने एक दूसरे के लिए कहा जो मामा भांजा थे, तू मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। बाद में अभिमेलेक ने अपने नाना और पूरे रिश्तेदार खानदानों के लिए कहा कि हम लोग एक दूसरे की हड्डी और मांस है। और दाऊद के लिए कहा कि सारे इसराइलियों ने कहा कि हम लोग एक दूसरे की हड्डी और मांस। और यीशु मसीह में हमारे लिए क्या कहा गया, हम उसकी देह के अंग है। इफिसी 5 अध्याय उसका 35, हम उसकी देह के अंग है, इंग्लिश में कहते हैं ऑफ हिज फ्लैश ऑफ हिज बोन्स, उसके हड्डी में से उसके मांस में। तो जितने लोग यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग हैं वो एक देह है, ठीक है। तो जो बातें आदम और हवा के लिए कही गई थी एक दूसरे की हड्डी और मांस है, वो बातें असल में मसीह और विश्वासी के लिए, कि हम और मसीह एक दूसरे की हड्डी और एक दूसरे की मांस, क्योंकि मैं मसीह में हूं। उसी प्रकार से आप भी मसीह में, तो हम लोग एक दूसरे की हड्डी और एक दूसरे के मांस। जो भी यीशु मसीह का है वो हमारी हड्डी और हमारा मांस। तो कहते हैं कि आपकी हड्डी कौन है, तो इसी समुदाय में से कोई है, सभी है, सभी एक दूसरे की हड्डी और मांस। इसलिए कहा गया है कि विवाह कर सकते जिससे चाहे परंतु प्रभु में, मतलब वो अविश्वासी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो गैर मसीह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी से भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन किसी से भी आप विवाह करेंगे ये बहुत आसान नहीं, यहां पर चुनाव आ जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो तब किसी को भी चुन लो विवाह कर लो, क्योंकि हम लोगों को बहुत चीजें देखनी पड़ती है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। हालांकि लोग जब विवाह के लिए चुनाव करते हैं तो फनी फनी बातें चुनते हैं, जो सांसारिक लोग होते हैं वो उसी प्रकार से चुनते हैं। परमेश्वर के एक सेवक मदुरई में हुआ करते थे, डॉक्टर विक्टर पी लॉरेंस, वो इस बात को बता रहे थे कि लोगों को जब पूछा जाता है कि कैसी लड़की चाहिए, तो कहते हैं BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। बीमार रहते हो क्या, इलाज कराना है? अच्छा, तुमको कैसी लड़की चाहिए? BEd की हुई होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते,
घर में ही पढ़ाना है। आमतौर पर लोग जब चुनाव करते हैं, ठीक है, प्रभु के लोगों में से चुनाव करना है, जो विश्वासी उसी में से चुनाव करना है, गैर मसीह में से नहीं, लेकिन किस कैसा चुने, तो लोग बाहरी रूप को देखते हैं, नौकरी देखते हैं, रूप देखते हैं, रंग देखते हैं, जाति देखते हैं, भाषा देखते हैं। अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हम एक दूसरे से किसी से भी कर सकते हैं, उसमें ना जाति मायने रखते, ना भाषा मायने रखते, ना रंग मायने रखता, ना रूप मायने रखता है, ना उसका काम मायने रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि हर व्यक्ति अपने अपने डिजाइन का होता है, कौन किसके साथ मैच करे ना करे, तो इसीलिए चुनाव चाहते हैं। कई बार लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हमारे लिए कौन है जरा प्रार्थना करके बता दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु ने किसी को ऐसा नहीं ठहराया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर के सेवक आए हुए थे और उन्होंने बड़े अंदाज में प्रचार किया, जवान थे, और उसकी प्रचार को सुनकर एक स्त्री जो वहां बैठी थी वो मोहित हो गई। फिर जब वो बैठे हुए थे अपने जगह पर, तब उस समय वो उसके पास में आई और कहने लगी कि प्रभु ने मुझसे बातचीत की है कि आपका मेरे साथ विवाह होगा। प्रभु का सेवक सोच में पड़ गया, उसने उसको पूछा, प्रभु से ये भी पूछिए कि मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। मुझे ये रिपोर्ट दिया गया है, बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु में से, हमारे बहनों में से ये प्रार्थना करते, प्रभु मेरे लिए कौन है, प्रभु मेरे लिए कौन है, और मतलब सोचते कि कौन होगा, और सब चाहते हैं कि जो अच्छा प्रभु का जन हो, स्टेज में दिखाई देता हो। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने प्रार्थना की, आंखें बंद की और उन्होंने देखा कि अच्छा फलाना व्यक्ति है। मुझे रिपोर्ट दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2-3 लोगों ने देख लिया, एक ही प्रभु, एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष को किसी 4 स्त्री के लिए कैसे दिखा सकते हैं। सब आपकी भावनाओं का खेल है। एक्चुअली प्रभु ने आपको ठहराया, किसी को ठहराया नहीं किसी के लिए कि उसको बताए, आपको लग रहा है, चुनना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। प्रभु बता देगा तो अच्छा होगा ना, उससे बड़ी आसानी से शादी हो जाएगी। अगर प्रभु बता दिया ना तो और भी बहुत मुश्किल से शादी होगी। हम लोग उस घटना को देख चुके हैं, यीशु मसीह एकमात्र योजना, योजना को पूरी करने में अड़ंगा ही अड़ंगा, उतना ही विश्वास आपको चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाती, तो इसलिए लोग इस प्रकार से चुनाव करते हैं। फिर भी हम लोग इस हिसाब से चुन सकते हैं कि पहला शर्त, वो विश्वासी हो, अर्थात वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों में से हो, या इतना हम जनरलाइज कर सकते हैं, वो गैर मसीही ना हो। अब यहां पर मैं एक और बात आपको कह देना चाहता हूं, हम लोग यहां पर जितने लोग हैं उसमें जितनी स्त्रियां हैं उसके मुकाबले पुरुष उसके आधे से भी कम है, ठीक है। यहां पर जितने हैं, आमतौर पर सभाओं में ऐसे ही होता है, क्योंकि प्रभु उनके मनों को प्रभावित कर लेता है तो वे जल्दी प्रभु के पास में आ जाते हैं, और जो लड़के होते हैं उनको प्रभावित करना थोड़ा कठिन होता है, संसार की ओर उनका मन ज़्यादा दौड़ता है, वे लोग सांसारिक किस्म के लोग होते हैं, शारीरिक किस्म के लोग होते हैं, तो बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो किसी भी सभा में ऐसे रेशियो होता है, मतलब स्त्रियाँ ज़्यादा होंगी पुरुष कम होंगे। अब मान लिया कि आप प्रार्थना करें, कई बार तो लोग प्रार्थना करते हुए लिस्ट बना लेते हैं, प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु मुझे कैसा पति चाहिए आपको बता देती हूँ, कैसी पत्नी चाहिए मैं आपको बताता, ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, बहुत सारा लिस्ट कि मुझे ऐसा 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 वाला होना चाहिए, बहुत कठिन। एक भाई के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो तो बहुत सारा लंबा लिस्ट बना के प्रार्थना कर रहा है, विश्वास भी कर रहा है कि उसको मिलेगा। मैंने कहा कि उसको 2 चीज और लिस्ट में शामिल कर लेनी चाहिए, उसको उतने सारे गुणों के साथ में ये भी बताना चाहिए, प्रभु उसका नाम भी फलाना ही होना चाहिए और उसका टाइटल भी फलाना ही होना चाहिए, क्योंकि वो इतना कठिन विश्वास कर पा रहा है तो इसके लिए विश्वास करना कठिन नहीं होगा। तो आपको उतना लिस्ट बना के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो जानते क्यों, क्योंकि जितना अभी यहां पर बैठे हुए रेशियो है ना, दूसरे किसी सभा से भी कंपेयर कर लीजिए, जितनी स्त्रियां होंगी पुरुष उससे आधे से भी कम होंगे। सबको अगर सबको इस शर्त रखते, प्रभु का एकदम सच्चा विश्वास है, जो उसको सेवक है वही होना चाहिए, तो एक एक पुरुष को 5-5 से शादी करनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स यही बताता है, क्योंकि है ही नहीं पुरुष।
लड़के लोग है ही नहीं जो प्रभु का भय मान रहे। अब हमने शर्त रख दिया कि यही होना चाहिए, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि जो रिश्ता आ रहा है हम लोग पहले उसमें उन क्वालिटी के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि हम जो 10 लिस्ट में रखे थे उसके मुताबिक कौन कौन सा डिलीवर और कौन सा नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो पाने का एक मुख्य कारण भी वही, क्योंकि एक तो पहले ये सोचा कि हमारे लिए कोई होगा, और सोचा सोचते सोचते क्या हो गया कि उसकी शादी किसी और से हो गई, ऐसा भी देखा गया। और फिर अपना जो लिस्ट है उसके मुताबिक लोगों को जज करें कि ये ऐसा होना चाहिए, अब वो ऐसा व्यक्ति तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने एक यूनिक आदमी मांगा है, हमने ऐसा व्यक्ति मांगा है जिसको तैयार करने में प्रभु को 50 साल लगेंगे, है ना, जिसको तैयार करने में प्रभु को सालों लगेंगे, तब सालों का इंतजार होगा तब तो। क्योंकि जब से आपने विश्वास करना शुरू किया, जब से आपने बदलाव देखना शुरू किया, ये 2000 ईस्वी के बाद से रांची में इतना परिवर्तन है, उसके पहले इतना नहीं था, प्रभु काम कर रहा था लेकिन इतना नहीं, ऐसा नहीं, जो भी परिवर्तन हुआ है 2000 ईस्वी के बाद की बात है। तो प्रभु यहां जो काम कर रहा है तो उसकी गति उतनी नहीं है कि आपको उतनी तादाद में लोग मिल जाए, बहुत कम, लेकिन सारे लोग वैसे प्रार्थना करेंगे तो किसको मिलेगा, सिर्फ हमारे फेलोशिप में ज्यादा लड़के लोग होते हैं, यहाँ 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 स्त्री ज्यादा है, तो जहाँ हम लोग फेलोशिप करते हैं, आरंभ में ऐसा था कि वहाँ सिर्फ लड़के ही होते थे, हमारे भाई बंधु लोग हैं वो लोग कहते थे कि यही एक मात्र है जिसमें लड़का लोग ज्यादा आते हैं, अब तो बराबर हो गए। हम लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में कि जो लड़के हो वो भी प्रभु में हो, ऐसे मिल जाए आपको, ऐसे मिल सके, काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उतनी रफ्तार में नहीं पहुंचे कि हर एक के लिए एक प्रभु का जन्म मिल सके, मिलना जरूरी नहीं लेकिन इतना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जनरलाइज कर रहे हैं, वो प्रभु में ही वो पुरुष होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इतना जरूरी हो कि वो गैर मसीही ना, वो गैर मसीही ना, दूसरे देवताओं का दूसरे ईश्वरों का आराधना करने वाला ना हो, क्रिश्चियन कहलाता है, इतना काफी होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग कामों को कर रहे हैं, सुधार का काम कर रहे हैं, हम लोग तेजस्वी कलीसिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कई चीजों को रिपेयर करना पड़ेगा, कई चीजों को परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसमें आपकी भूमिका की जरूरत है। कई बार आपकी शादी उससे, कई बार नहीं एक ही बार होगी, लेकिन उससे शादी करनी पड़ सकती है जो उस प्रकार का प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि प्रभु उस व्यक्ति को आपके द्वारा परिवर्तित कर देगा, लेकिन रिस्क लेके किसी से भी मत कर लीजिए, आओ देखना था और कर ले। शादी ब्याह करने से पहले अच्छे से नफा नुकसान जोड़ लेना चाहिए। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि तुम में ऐसा कौन है जो घर बनाना चाहे और पहले हिसाब किताब ना कर ले कि मेरे पास इतना सामान है, इतना रुपया है, इतना चीज है, तो घर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ऐसा कौन सा राजा है जो लड़ने के लिए जब जाता है तो हिसाब ना कर ले कि मेरे पास 10,000 है, उसके पास 20,000 है, तो कैसे लड़ेंगे, पहले संधि कर ले। उसी प्रकार शादी भी आप ऐसे ही, एक बार जब आप उसमें घुस गए उसके निकलने का रास्ता नहीं, तलाक ले लेते हैं लोग, तलाक के बारे कभी मत सोचे, लेकिन वो ऐसा चुनाव है कि आप उसको फिर इनकार नहीं कर सकते, आप उसमें चले गए, सोच समझ के उसमें घुसना चाहिए, तो आओ देखा ना ताओ घुस गए, ऐसा नहीं, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। और शादी ब्याह की बात है जो हमारे बीच में, वो व्यक्तिगत बात भी नहीं कि हम पति पत्नी के बीच की बात है, बाकी सब जाओ गोली मार, हमारे बीच में जो शादी ब्याह की बात है वो व्यक्तिगत बात है, वो पारिवारिक बात है, वो सामाजिक बात है। जब मैं इस बात को ढूंढ रहा था बाइबल में, बाइबल के मुताबिक किस शादी को वास्तविक शादी मानना चाहिए, क्या उस शादी को मानना चाहिए जो चर्च में हुई, क्या उस शादी को मानना चाहिए जिसको पास्टर ने दी, तब उन लोगों का क्या होगा जो बिना पास्टर के शादी की, अर्थात गैर मसीह लोगों का क्या होगा, उनकी शादी चर्च में नहीं हुई, उनकी शादी किसी पास्टर ने नहीं दी, उनकी शादी कहीं और हुई, उन्होंने फेरे लिए, उन्होंने कुछ कलमा पढ़ा, बहुत कुछ किया, तो उनकी शादी को हम शादी माने कि ना माने, शादी ना माने तो क्या माने, वे विचार माने। और यहां तो ऐसे कई लोग होंगे जो लोग विश्वास करने से पहले गैर मसीह थे, उस समय उनकी शादी हो गई, अब वे लोग दोनों पति पत्नी शादी, वे लोग आ गए हैं प्रभु में,
तो क्या उनकी शादी को रिपीट करवाना पड़ेगा चर्च में? क्योंकि पहले तो तुम्हारी शादी हुई थी, उसको हम लोग मान्यता देते नहीं है, आप फिर से शादी देते हैं। तो मैंने इस बात को समझा कि नहीं, वैसा नहीं। वास्तव में जो सामाजिक रूप से एक दूसरे को मान्यता देते हैं शादी के रूप में, उसको ही परमेश्वर मान्यता देता है, और उसी को कहता है कि जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। सामाजिक रूप से हम लोग एक दूसरे से बंध जाते हैं, ठहरा देते हैं, जुड़ जाते हैं, वही परमेश्वर की तरफ से भी। परमेश्वर ने किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं ठहराया कि इसका इसके साथ, उसका उसके साथ, उसको शादी की मान्यता दे सकते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चर्च में शादी नहीं हुई, पास्टर ने शादी नहीं दी, दूसरे तरीके से शादी हुई, लेकिन वो शादी मान्यता है उसको। लेकिन हम लोगों को उस प्रकार से करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं। हम लोगों को प्रभु की जैसी रीति है उसके मुताबिक शादी करनी चाहिए। तो हम लोगों को मनुष्य की सलाह हम लोग ले सकते हैं शादी के लिए, ठीक है, आप जैसा सोचते हैं। अगर मान लिया कि आप सेवकाई नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई नहीं कर रहे, जो सेवकाई नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन को जान रहे हैं, अपने अधिकार को जान रहे हैं कि पत्नी का पति के ऊपर अधिकार है, पति का पत्नी के ऊपर में अधिकार है, तो आप उसको सेवकाई के तरीके से देख सकते हैं। आप जिसे शादी हो गई, मान लिया वो आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, या फिर मान लिया कि वो उस मापदंड के मुताबिक नहीं हुआ जैसे आप सोचते थे, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए आप अपने अधिकार को खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऐसी गवाहियों का हम लोग सुनने पाएंगे कि पति एक दिन गवाही देगा, बोलेगा कि मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी इतना प्रार्थना करती थी कि आज मैं प्रभु का सेवक हो गया। हालेलुया। आपने ऐसी गवाहियों को सुना होगा, और ऐसी भी कई गवाहियों की जरूरत है जहां पर पत्नी इस बात की गवाही दे कि मैं भी वैसी नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने ऐसा किया कि मैं आज प्रभु की सेवा करती। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप सेवा नहीं करते हैं, परमेश्वर की सेवका ही नहीं करते हैं, तो उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप उसकी हड्डी में कि उसके मांस में के अंग हैं, तो किसी से भी लेके विवाह कर सकते। लेकिन जो लोग सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको ध्यान से चुनना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने बेध्यानी से चुना तो वे पत्नी को संभालेंगे कि सेवा को संभालेंगे, सेवा ही करेंगे, तो उनके लिए वही पत्नी चाहिए, उनके लिए वही पति चाहिए जो उनकी सेवा में उनकी सहायता कर सके, क्योंकि उनके साथ में सेवा जुड़ी हुई है। लेकिन जब तक आपकी सेवा नहीं शुरू हुई है, आप सेवा करना आरंभ नहीं किए हुए हैं उस रीति से, तो आप कर सकते हैं, और जो आपके पति हो या आपकी पत्नी हो उसको सेवा के लिए ले सकते हैं। तो हम लोगों को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार हम लोग परमेश्वर से सलाह लेते हैं कि प्रभु आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या है। देखिए, दोनों बातों में अंतर है। हम ये प्रभु को पूछें आपने मेरे लिए किसको ठहराया, ये अलग बात है, और हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि मेरे लिए कौन सटीक होगी, ये कौन सटीक होगा, ठीक है। क्योंकि हम उस विवाह की वाचा में जब जाने वाले हैं, तो हम उसमें परमेश्वर की सहायता के साथ जाने वाले हैं। जो कुछ गड़बड़ है उसको हम सुधारने वाले हैं, जो परिवर्तन चाहिए हम परिवर्तन लाने वाले हैं, जो नहीं है उसको हम लाने वाले हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ हो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की सहायता के बिना गए तब हम असहाय हो जाएंगे, हमको खुद के बल पर सब कुछ सुधारना पड़ेगा और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम जाएंगे तो जो ठीक नहीं था उसको भी ठीक कर ले। इसलिए परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो मेरे साथ फिट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और परमेश्वर कई बार दिखाता है, कई बार बता देता है कि फलाने तुम उससे कर सकते, लेकिन उसके दिखाने के अर्थ को समझना चाहिए। उसके दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने उसको उसके लिए ठहरा दिया, नहीं, उसका दिखाने का अर्थ है कि वो उसके साथ कर सकते हैं, ओके, मैच कर सकते हैं, हमारी तरफ से ओके है, ये दिखाना। लेकिन जो भी हो ना, कई बार लोग सोचते हैं, पूछते हैं अरेंज मैरिज करना चाहिए कि लव मैरिज करना चाहिए, दोनों ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिस बोलता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही अच्छा है। लेकिन आप मैरिज कर सकते हैं, जब आप मैरिज कर लिए तब लव कीजिए, मैरिज के बाद लव होना बहुत जरूरी है ना, पहले प्यार होना जरूरी नहीं है, शादी कर लिए उसके तो प्यार होना जरूरी है, लेकिन दोनों को एग्री होना भी जरूरी है शादी करने से पहले। कई बार क्या हो कि माता पिता ने तय कर दिया बच्चों को, अब इसको उसके साथ करने का मन ही नहीं है, पता शादी के बाद में तो वो तो भाग गए, वो तो उसको छोड़ दी, तो जबरदस्ती एक दूसरे को बांधने का कोई मतलब नहीं है, उनकी जिंदगी को हम बना नहीं रहे, खराब कर रहे। पति और पत्नी
लोग आ रहे हैं साथ मिलकर जिंदगी जिएंगे जिंदगी भर के लिए, तो उनको पहले एग्री होना चाहिए कि भाई हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। साथ चलना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जब परमेश्वर इन बातों को बता दे तो ये मत सोचिए ठीक है परमेश्वर ने ओके कर दिया इसके साथ हम कर सकते हैं शादी कर लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। कई बार लोग इसीलिए पूछने के लिए आते हैं क्योंकि सोचते हैं कि शादी ब्याह गड़बड़ हो गई तो सारी आशीषें खो गई, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है वो मुझे नहीं मिली तो उसके बाद तो आशीषों को हमने मिस कर दिया है ना, क्योंकि वो तो चाहता था कि हम इससे शादी करें तो मैंने तो उससे शादी कर ली, अब आशीषें तो उसके साथ ठहराई गई थी इसके साथ तो मिलेगी नहीं, सब कुछ चौपट हो गया। अरे नहीं, कुछ चौपट नहीं हुआ, यीशु मसीह इसीलिए आया था। वो हम सबको जानता था, हमारी कमजोरी को जानता था, हम लोग कितना परमेश्वर से ट्यून रहते हैं उस सबको जानता था। और उसने तब आशीषों का वादा किया, उसने तब कहा कि तुम अब्राहम के संतान हो तब आशीष पाओ। तो कई बार उसी गिल्टी कॉन्शियस में रह जाते हैं कि पता नहीं इससे मेरी शादी, मान ली किसी को कल हम कह दें कि आप दोनों की शादी हुई है, शादी से पहले पूछे थे प्रभु को कि आप ही दोनों हैं, तो आप ही दोनों की शादी ही गलत हुई है, अब कितना आशीष की खोज करिएगा, नहीं मिलेगा आशीष, क्या होगा उन दोनों का, तलाक लेने क्या होता ना, नहीं। अब ये लोग शादी में आ गए हैं, शादी के बंधन में बंध गया, यीशु मसीह उनके साथ में है तो आशीष है, यीशु मसीह नहीं है तो कोई आशीष नहीं, उतना ही काफी है। और ये मत सोचिए कि प्रभु ने ओके कर दिया तो बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट शादी याद कीजिए हमेशा, आदम को तो चुनना भी नहीं पड़ा था, उसकी बकायदा पसली ही निकाल के पत्नी दे दी गई, और जब शादी करा दी गई पत्नी के साथ में तो अच्छी जिंदगी बिताना चाहिए था, पाप में पड़ गया। इसलिए ये मायने नहीं रखता है कि आप किसके साथ शादी करते हैं, कितना ओके करवाए, कितना दर्शन देखे, कितना प्रकाशन मिला, लेकिन ये जरूर मायने रखता है कि जब आप शादी कर चुकते हैं तो समझदारी से जिएंगे, बहुत मायने रखता है। आदम के अलावा और कौन कह सकता है मेरे हड्डी में हड्डी मांस में का मांस, उससे ज्यादा कोई कह सकता है क्या? उनकी शादी किसने करवाई? परमेश्वर ने। लेकिन पाप में भी वही लोग पड़ गए, जो पत्नी दी गई थी उस पत्नी के साथ आदम इतना मगन हो गया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को दरकिनार कर दिया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसलिए ये मत सोचिए कि प्रभु ने ठहराया है तो ओके कर दिया, शादी कर लिए तो सब कुछ ओके ही ओके होगा, नहीं, उसके बाद बहुत गड़बड़ी भी आ सकती है। इसीलिए मुख्य बात यह है कि चाहे आप किसी से भी विवाह करें, विवाह के बाद में एक दूसरे के साथ और प्रभु के साथ तालमेल बैठा कर आगे बढ़ना महत्व रखता है। यदि आप उसके साथ में आगे बढ़ना सीख गए तो आप कुछ सब कुछ सीख जाएंगे। हम लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, पति को पत्नी को समझना पड़ेगा क्योंकि वो किस नेचर की है, पत्नी को पति को समझना पड़ेगा कि वो किस नेचर का है। हम जैसे थे उस हिसाब से शादी के बाद नहीं चल सकते। जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को कहा कि अनुभव से ना बोलूं, वचन से बोलूं, बाद में अनुभव बनाया जाए। तो पति को पत्नी को समझना पड़ेगा और पत्नी को पति को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो लड़के लोग होते हैं, आप लड़कियों को आपको बता देता हूं, जितनी स्त्रियां हैं वो लोग फिजिकल किस्म के होते हैं, शारीरिक किस्म के होते हैं, शरीर के बारे ज्यादा सोचते हैं। जब शादी की भी बात होगी ना वो लोग शारीरिक बात ही ज्यादा सोचते हैं। और जितने पुरुष हैं उनको मैं बता दूं, जितनी स्त्रियां होती हैं वे लोग शारीरिक से ज्यादा इमोशनल होती, भावनात्मक रूप से ज्यादा सोचती, ताकि आगे चलकर आपको तालमेल बिठाने में सुविधा हो। आप पति को ढूंढ ले लिए, शादी हो गई तो समझिए वो शारीरिक किस्म का आदमी आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा नहीं भी समझेगा, शुरू में तो थोड़ा बहुत था, बाद में आपको लगे कि समझता नहीं है, देखता नहीं है, पूछता नहीं है, जानता है। समझिए उस, और उसके साथ में करते करते उसकी भावनाओं को भी जगाइए ताकि वो आपकी तरफ उसका झुकाव है। अब ये जो पति है वो शारीरिक किस्म का आदमी है, उसको भी समझना पड़ेगा, ये भावनात्मक है, ये ज्यादा शारीरिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ तालमेल बिठाना है तो भावनात्मक रूप से तालमेल बिठाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर तालमेल नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ी होगी। पत्नी को समझना पड़ेगा, पति शारीरिक है तो जैसा शारीरिक रूप से उसको डिमांड है
मुझको उसके साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ना पड़े, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। और एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को समय दीजिए, बहुत अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। और इस बात को हमेशा समझिए कि जो भी शादी ब्याह की बात है वो एक उदाहरण होने पाए। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे बीच में से, प्रभु के लोगों के बीच में से, इसने इसको पसंद कर लिया, इसने इसको पसंद कर लिया, और सबको दरकिनार करते हुए लोग शादी कर लिए, आगे बढ़ गए। लेकिन हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो चुने गए हैं, हम लोग इसलिए नहीं चुने गए हैं कि हम कुछ भी चुनाव करें, हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोगों के साथ पूरा समुदाय है। हम लोग हमेशा कलीसिया को देखना चाहते हैं कि कलीसिया का रेपुटेशन बाहर क्या जाता है। हमारे कारण से, मेरे व्यक्तिगत कारण से उसका रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो अन्य जाति है, जो संसार के लोग हैं, वो हमें देखें तो तेजस्वी कलीसिया के रूप में देख सके, हमें एक उदाहरण के रूप में देख सके, हमारा जो शादी ब्याह हो वो उदाहरण के रूप में देखा जा सके। क्योंकि जो परमेश्वर है उसने खुद कलीसिया और अपने बीच में एक शादी ब्याह के संबंध को दिखाया। यीशु मसीह जो है, हम जानते हैं मसीह की दुल्हन कलीसिया एक दिन, तब उसकी शादी होगी, उसका उस संबंध को उसने दिखाया, वो एक उदाहरण साबित होने पाए। तो हमारा जो विवाह का रिश्ता है वो भी उसी का एक कॉपी, वो भी एक उदाहरण बनने पाए, उससे नीचे कुछ भी नहीं। अब इसके बाद मैं अंतिम बात आपको कह देना चाहता हूं, दो चीजें हैं, फिर समाप्त हो जाएंगी, 5 मिनट। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय, जहां से आप खोल कर रखें। मान लिया आपकी विवाह की उम्र नहीं, लोग कहते हैं कि खास उम्र के बाद विवाह हो जानी चाहिए, लोगों के मुताबिक 25 साल के बाद विवाह हो जानी चाहिए, 25 से 30 साल लोगों के कहने के मुताबिक विवाह की अच्छी उम्र है। आप उसके पहले करेंगे तो आप तैयार नहीं हुए हैं, उसके बाद टाइम पार हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। मान लिया आपकी उम्र 25 से कम है, क्या करना चाहिए, क्या अभी से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे लिए कौन से सटीक है प्रकट कीजिए, प्रभु अविवाहित से क्या अपेक्षा करता है। पहला कुरिन्थियों 7:27, यदि तेरे पत्नी नहीं है, पत्नी है तो उसे अलग होने का यत्न कर, नहीं कर, यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर, सिंपल। 32 से, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। परमेश्वर जिस स्टैंडर्ड से बातें करता है उसके मुताबिक एक अविवाहित व्यक्ति प्रभु की चिंता में रहता है, ठीक है, आप रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और जो अविवाहिता है वो भी प्रभु की चिंता में रहती है। इसका मतलब है कि जो अविवाहित है, विवाह की उम्र नहीं हुई, तो आपको पत्नी या पति की खोज करने की जरूरत नहीं, लाइफ पार्टनर की खोज करने की जरूरत नहीं, अभी समय नहीं पहुंचा। परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी का जो समय है, जब आप पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तब प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु के साथ में चलें। यदि आपकी विवाह की उम्र नहीं है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जब विवाह की उम्र पहुंच जाए तब प्रार्थना कीजिए, प्रभु कौन आपके मुताबिक मेरे लिए सटीक हो सकती है, कौन सटीक हो सकता है। हो सकता है कई बार प्रभु दूसरे रीति से जवाब दे, जब आप इस रीति से प्रार्थना करें, एक रिश्ते की बात आपके सामने आ जाए, तब आप ये मत बोलिए कि प्रभु इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वही था जब प्रभु चाहता था कि आप उससे करें, वो आपके लिए फिट बैठे, वो आपकी सेवकाई उस व्यक्ति में हो, तब उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो अविवाहित हैं उनको समय से पहले प्रभु देता नहीं, बताएगा नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास में आते हैं और पूछते हैं, अरे लाइफ पार्टनर कौन होगी, कौन होगा, है ना, क्यों भाई क्यों, अभी की आपकी जरूरत है ताकि उसके साथ घूम फिर सके। अच्छा, प्रभु को भी यूज करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, बहुत बुरी बात है। हम लोग लोगों के सामने उदाहरण रखना चाहते हैं कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग जब तक अविवाहित हैं प्रभु की चिंता में रहते हैं, और उसके बाद में जब शादी ब्याह हो जाते हैं तब पति या पत्नी की चिंता में रहते हैं। हम संसार के सामने उदाहरण रखना चाहते हैं, हम उनके समान नहीं होना चाहते जिनके शादी से पहले ही पार्टनर होते हैं, 4 साल से घूम रहे हैं। क्यों चाहिए,
ताकि उसको गर्लफ्रेंड बना के घूम सके। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको बॉयफ्रेंड बना के घूम सके। मैंने तो ऐसा भी रिपोर्ट सुना है कि किसी किसी व्यक्ति के लिए कि उन्होंने पूछा हमारे लिए कौन है, किसी तरीके से बता दिए कि आपके लिए वही है। अब तो शादी तो पता नहीं बाद में होगी, पहले ही सब कुछ हो गया, पहले ही व्यभिचार में गिर गया। क्या इसलिए प्रभु ने प्रकट किया था? जब प्रभु आपको ओके कर दे किसी से, तुरंत शादी के लिए आगे बढ़ जाए, उसके बाद टाइम पास करने की जरूरत नहीं। अगर लगता है कि उसके बाद टाइम पास करना है तो दूरी नहीं, पहले से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरा और आखिर, जिनके विवाह की उम्र पार हो गई लोगों की नजर, क्या करना चाहिए? हम लोगों को इस बात को भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु जो काम इस समय कर रहा है पहले नहीं कर रहा था। और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके विषय में कहा जाए कि इतनी उम्र तक तो विवाह हो जानी चाहिए, अब पार हो गए, अब क्या होगा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, 25 से 30 के बीच में विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 साल और उसके बाद जब तुम 60 साल के हो गए तो तुम रिटायर हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे तब तक तुम्हारे बाल बच्चे कितने बड़े होंगे, तुमको उनकी शादी ब्याह भी तो करानी है, उसके बाद तुम कैसे करा सकते हो? अगर तुम ही लेट से शादी करोगे तो जब तुम रिटायर करोगे तो उस समय तुम्हारे बाल बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बहुत मुश्किल। तब उन सब चीज़ों को सोच सोच के और दबाव में पड़ जाते हैं। दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं शरीर का भी एक लिमिट होता है, फिर ज़्यादा उम्र के बाद तुम शादी ब्याह करोगे तुम्हारे बाल बच्चे प्रॉब्लम होने लगेंगे, होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जब आप व्यवहारिक रूप से संसार में देखें तो ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग इतने दिन से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और यदि आपके विवाह की उम्र पार हो चुकी है लोगों के अनुसार, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत। हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अब्राहम का परमेश्वर, जो सारा का परमेश्वर, और जो कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं उनकी जवानी उकाब की नहीं हो जाती। हालेलुया। और हम सिस्टम की चिंता नहीं करते कि 60 साल में रिटायर हो जाए या 60 साल के बाद आय का स्रोत कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। हम प्रभु पर भरोसा करते हैं और आज से 60 साल के बाद में, आज से 30 साल के बाद में चीजें ऐसी नहीं रहेंगी, तब तक हम लोग बहुत सारा बदलाव लेकर आ चुके हैं। इसलिए आपको अपने आप में निराश होने की जरूरत है, मेरा समय निकल गया, मेरा उम्र निकल गया, मेरा चीज ये निकल गया, फिर पता नहीं क्या होगा। नहीं, आप विश्वास के साथ आगे जाएंगे और सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ियां जो होंगी उनके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है उनके लिए सही समय पर कराया जा सके, लेकिन अब जब नहीं हुआ तो हम लोग उसको ये सोच करने चलेंगे कि अब तो ये चीज नहीं हुआ, अब प्रभु भी इसको क्या ठीक करेंगे। प्रभु सब ठीक करता है, प्रभु सब चीज अच्छा करता है। अपने विषय में उत्तम विश्वास कीजिए, आप एक नई सृष्टि, उसने आपको स्वस्थ करने के लिए कोड़े खाए, क्रूस पर वो बीमार बना ताकि उसके द्वारा हम स्वस्थ रहें। वो चाहता है कि आप और हम स्वस्थ रहें, पूरी रीति से सिर से पांव तक स्वस्थ रहें, हर जगह कोई भी कमजोरी कोई भी दुर्बलता ना पाई जाए। इसीलिए चिंता करने की बात नहीं, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे लिए जो उचित हो, जिसके साथ मेरा जीवन फिट बैठे, उस व्यक्ति को मेरे लिए लेकर आए। यदि आपके विवाह की उम्र हो चुकी है, प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपके लिए जरूर एक रिश्ता लेकर आए, कोई बात जरूर चल कर निकले। और आप ओके कीजिए, आप डरिए मत, शर्तों के मुताबिक मत देखिए, शर्तों के मुताबिक देखना है तो सिर्फ अपने को देखिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए वहाँ मैं हूँ कि नहीं, बाकी को किसी स्टैंडर्ड से जाँचने की जरूरत नहीं। और उसके बाद उसमें आगे बढ़ जाइए, समझदारी के साथ आगे बढ़िए, और जो लोग कहते हैं कि ऐसा विवाह सफल नहीं होता उसको सफल करके दिखाइए। परमेश्वर ही ने जो विवाह कराया था वो सफल नहीं हुआ ठीक से, पाप हो गया, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य से विवाह में प्रवेश करते हैं तो उसको सफल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सहायता करता है। परमेश्वर अनुग्रह करें, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी बातों को आज के दिन सीखा, एक समर्पित जीवन के रूप में तूने हमें समर्पण करना सिखाया, और तू चाहता है कि हम नौकरी के मामले में भी तुझसे सलाह लें ताकि तू हमारे विषय में कह सके सचमुच ये समर्पित है, विवाह के विषय में भी हम ऐसा कर सके ताकि तू कह सके सचमुच ये समर्पित है। और पिता मैं इन भाई बहनों के लिए खासतौर से प्रार्थना करता हूँ, उनको चुनने में मदद कीजिए, खासतौर से नौकरी के संबंध में जो भी बातें हैं, जो आय का स्रोत है उसके संबंध में, कि वे ऐसे द्वारों को खुला हुआ देखे जिनमें से होकर उनको जाना चाहिए,
जो उनके सामने पड़े हों, जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों, पिता आप उनकी सहायता कीजिए। जो सामने तैयारियाँ वे कर रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई वे कर रहे हैं, उसके लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सहायता कीजिए, अपनी तरफ से बुद्धि और बल दीजिए, समझ दीजिए, ताकि वे उसको हासिल कर सकने पाए। क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है और तू ऐसे देश में हमें ले जाना चाहता है जहाँ दूध और मधु की धारा रहती है, जहाँ पर कोई कमी नहीं है। और पिता ऐसे में इन प्रियों के लिए देखता हूँ, मैं से एक एक जन के लिए मैं देखता हूँ कि तू हमें से किसी को भी अभाव में देखना नहीं चाहता, इसलिए तो उनके लिए आय के स्रोत का तो इंतजाम कर पिता। हो सकता है कि वो नौकरी के रूप में हो, वो नौकरी को हासिल करने में उनकी मदद कर, बिजनेस के रूप में उसको हासिल करने में उनकी मदद कर, दूसरे रूप में हो उनको हासिल करने में मदद कर, जिस काम में वो हाथ लगाते हैं उसमें आशीष पाए, सफलता पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। और पिता उसी प्रकार से विवाह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके लिए सुयोग्य वर या वधु तू सामने लेकर आ, ताकि उनसे उनका विवाह होने पाए और उसमें बड़ी समझदारी के साथ में चलने पाए और समझदारी के साथ अपने जीवन को बिता सकने पाए, अपनी सेवा को, अपनी बुलाहट को पूरी कर सकने पाए और तेरी इच्छा को पूरी करने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनके विवाह की उम्र नहीं हुई है, अभी वे इन बातों को सीख रहे हैं, जिनकी नौकरी की उम्र नहीं हुई है उनको सीख रहे हैं, या आने वाली पीढ़ियों के लिए सहायता कीजिए पिता, हम उनको बेहतर दे सकें, जो उनके भीतर जो इनबिल्ट है उसको सामने लाने में उनकी मदद कर सके, उस हिसाब से काम करने में उनकी मदद कर सके, हम अगली पीढ़ी को तैयार कर सके, जो इस समय की पीढ़ियां नहीं लाभ ले सकी, जो पहले की पीढ़ियां लाभ नहीं ले सकी उसको बाद की पीढ़ियां लाभ ले सके पिता, ऐसा तैयार करने में हमारी मदद कीजिए। और हमारी समझ को तू पूरी तरह से खोल दे, हमारे मन में कोई भी ऐसा शंका या डाउट न रह जाए जिससे हम संदेह में पड़े रहें, लेकिन हम क्लियर रहने पाए। जिन बातों को मैंने समझाने की कोशिश की है पिता, आप खुद इनको समझाइए, खुद इनको बताइए, खुद जब ये प्रार्थना करते, खुद जब ये वचन पढ़ते, इन बातों को खुद देख नहीं पाए, ताकि वे सही सही दिशा में आगे बढ़ने पाए। तेरी सहायता हमेशा इनके साथ होने पाए, जब इनका विवाह हो जाए पिता ये तेरी महिमा करने पाए, जीवन के अंत तक ये तेरा धन्यवाद करने पाए, जिनके विवाह की उम्र पार हो गई है, यीशु मसीह के नाम से उनके जवानी उकाब की नई नई होने पाए। क्योंकि तू सारा को गर्भ देने वाला परमेश्वर, तू अब्राहम को मृत शरीर की अवस्था में भी जीवन देने वाला परमेश्वर है, और तू हमारा परमेश्वर, तू हमारे शरीर को भी उस रीति से तरोताजा रख, संपन्न रख, आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।